का परिवार सबसे छिपता फिर रहा है, किसने नहीं दिया अभी तक नोटिस का जवाब। हेलो, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपना सन आज आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। गंगूबाई काठियावाड़ी जल्द सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। संजय लीला भंसाली की मूवी का काफी समय से इंतजार किया जा रहा है, लेकिन रिलीज से पहले ये विवादों में घिर चुकी है। मूवी में आलिया भट्ट मुख्य किरदार में है, उनके साथ अजय देवगन कैमियो रोल कर रहे हैं। गंगूबाई के परिवार वालों ने मूवी को लेकर नाराजगी जाहिर की है और अब इस पर कोर्ट की ओर रुख किया है। उनके वकील का कहना है कि ट्रेलर देख परिवार हैरान है, एक ऐसी महिला जिसने समाज के लिए इतना काम किया उसे सेक्स वर्कर की तरह दिखाया गया है। गंगूबाई के गोद ली हुई बेटी बाबूराव जी शाह ने मूवी को लेकर साल 2021 में एक याचिका भी दायर की थी। मुंबई की एक अदालत ने संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को इस मामले में तलब भी किया था। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मूवी के रिलीज पर रोक से इनकार कर दिया और निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक और मानहानि की कार्रवाई पर भी अंतरिम रोक लगा दी। मीडिया से बातचीत में बाबूराव जी शाह ने कहा, मेरी माँ को वैश्य बना दिया गया है, अब लोग बिना वजह मेरी माँ के बारे में बातें कर रहे हैं। वकील ने आगे बताया कि परिवार वालों को जब पता चला कि गंगूबाई के जीवन पर मूवी बन रही है, तब से वे छिपते फिर रहे हैं, वे घर शिफ्ट कर रहे हैं, अंधेरी या बोरेवली जा रहे हैं। मूवी में गंगूबाई को जिस तरह से दिखाया गया है, उसके बाद कई रिश्तेदार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या गंगूबाई वाकई एक प्रोस्टिट्यूट थी और वो क्या सोशल वर्कर नहीं थी। उन्होंने आगे कहा, हमने संजय लीला भंसाली और हुसैन जैदी को नोटिस भेजा है, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। गंगूबाई की नातिन भाटी ने बताया कि मेकर्स पैसे के लिए उनके परिवार को बदनाम कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मूवी के लिए परिवार की सहमति नहीं ली गई है, यही नहीं किताब लिखने के लिए भी उनसे परमिशन नहीं लिया गया। गंगूबाई काठियावाड़ी बनाने में कितनी मुश्किलें सामने आई थी, किसने खोले सभी राज। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं बड़ा सना आज आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। बॉलीवुड की गंगूबाई काठियावाड़ी यानी आलिया भट्ट मूवी में दमदार रोल में नजर आने वाली है। यूं तो आलिया को खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं, राजी, हाईवे जैसी फिल्मों से वो खुद को बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर चुकी है और अब गंगूबाई काठियावाड़ी उनके करियर में चार चांद लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी का ट्रेलर गाने सामने आ चुके हैं, जिनसे मूवी की कहानी और आलिया के किरदार के बारे में काफी कुछ जानने को मिल रहा है। लेकिन पर्दे पर गंगूबाई काठियावाड़ी बनाना आलिया भट्ट के लिए इतना आसान नहीं था जितना लग रहा है। संजय लीला भंसाली की फिल्मों की हीरोइन बनना कोई छोटी बात नहीं है और ना ही आसान बात है। भंसाली खुद में एक संस्थान माने जाते हैं, ऐसे में जब आलिया इस रोल के लिए साइन की गई तो उनके लिए इस रोल में ढलना बहुत जरूरी था, लेकिन कैसे ये एक बड़ा सवाल था। तब संजय लीला भंसाली की राय आलिया भट्ट के बहुत काम आई। हाल ही में आलिया भट्ट ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में मूवी और इसकी शूटिंग से जुड़े मजेदार किस्से शेयर किए। आलिया भट्ट ने बताया कि इस मूवी की शूटिंग से पहले उन्होंने पाकीज़ा से लेकर मुगले आजम तक कई फिल्में देखी और उन्हें गहराई से समझा। इसके अलावा संजय लीला भंसाली की एक राय उनके काफी काम आई। भंसाली ने आलिया भट्ट को यूट्यूब पर वीडियो देखने की सलाह दी। उन्होंने आलिया को बताया कि वो आम लोगों को करीब से नोटिस करे, उनकी चाल ढाल, उनके बोलने का तरीका, जिससे कि वो काफी कुछ सीख सकती हैं। तब आलिया ने भंसाली की इन सभी बातों को फॉलो किया और इस तरह से उन्होंने ये किरदार बड़े बेहतरीन तरीके से निभाया। अब मूवी रिलीज के लिए तैयार है। 25 फरवरी को सिनेमा घरों में मूवी रिलीज होने जा रही है, लिहाजा इस तारीख का फैंस बेसब्री से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वेल दर्शकों, आप सभी इस मूवी को आलिया भट्ट से बेहतर कौन गुड फिट होती गंगू के किरदार में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं अपना सना आज आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों।
आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। बता दें कि मूवी रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी की कहानी किताब दी माफिया क्वीन ऑफ मुंबई पर आधारित है। कहते हैं कि गंगूबाई काठियावाड़ी की जान की यही वजह थी कि वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता था। गंगू हमेशा एक ही बात करती थी, इज्जत से जीने का और कभी भी किसी से डरने का नहीं। गंगूबाई वो औरत है जो 16 साल की उम्र में मुंबई के रेड लाइट एरिया में फंस गई। फिर उसने बड़ी ही बेबाकी से एक डॉन के घर जाकर उसे राखी बांधी। संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड मूवी में आलिया भट्ट मुख्य किरदार में है। लेकिन 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 उनके अलावा और भी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो इस किरदार को मुख्य रूप से निभा सकती थी। सबसे पहले बात करते हैं इस लिस्ट में, सबसे पहला नाम आता है माधुरी दीक्षित का, जिन्होंने इंडस्ट्री में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। 3 साल की उम्र में माधुरी दीक्षित ने कथक सीखना शुरू किया और 8 साल की उम्र में पहला परफॉर्मेंस दिया। माधुरी दीक्षित ने 17 साल की उम्र में राजश्री की मूवी अबोध से अपने करियर की शुरुआत की थी। माधुरी का अभिनय और डांस कमाल का है, इस लिहाज से माधुरी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकती थी। कंगना बॉलीवुड की उन चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक है जिन्हें नेशनल अवार्ड एक बार नहीं बल्कि 3 बार से अधिक बार मिल चुका है। कंगना बेबाक एक्ट्रेस आलिया की जगह कंगना भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती थी। दी फैमिली मैन के दोनों सीजन से सुर्खियां बटोरने वाली एक्ट्रेस प्रिया मनी भी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए अच्छी साबित हो सकती थी। इस वेब सीरीज से उन्हें काफी लोकप्रियता मिली थी। रवीना ने 1991 में सलमान खान के साथ मूवी पत्थर के फूल से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। उनकी पहली मूवी हिट साबित हुई और उन्हें फिल्मफेयर लक्स फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। रवीना ने फिर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखा। उनकी कई फिल्में जैसे की मोहरा, दिल वाले और लाडला बैक टू बैक हिट हुई। रवीना जितनी सुंदर है उतनी अच्छी अदाकारा भी है। वो दिल गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए बेहतर ऑप्शन हो सकती है। अनन्या चटर्जी बंगाली फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री है। अनन्या चटर्जी चुलबुली और बोल्ड एक्ट्रेस है। गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए वो अच्छा किरदार निभा सकती थी। तो दर्शकों, आप अपने विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें कि आपके हिसाब से कौन है गुड फिट इस रोल के लिए। तब तक मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। कौन है गंगूबाई काठियावाड़ी? गंगूबाई काठियावाड़ी को किससे हुआ था इश्क? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। आलिया भट्ट ने अपनी नई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में सबका ध्यान खींचा है। हाल ही में इस फिल्म का नया गाना रिलीज हुआ, जब सैया। इसमें वो एक लड़के के संग नैनों से बात करती हुई नजर आती है। पहली झलक में ही वो लड़का जाना पहचाना सा लगेगा कि आखिर आलिया भट्ट के साथ स्क्रीन पर इश्क लड़ाने वाला ये लड़का है कौन? कहीं तो देखा है इसे, तो चलिए हम बताते हैं कि ये लीड रोल निभाने वाला हीरो आखिर है कौन। दरअसल आलिया के साथ नजर आ रहे लड़के का नाम है शांतनु माहेश्वर। शांतनु छोटे पर्दे पर काफी पॉपुलर है, लोग उन्हें एक एक्टर, कोरियोग्राफर और डांसर के तौर पर जानते हैं। शांतनु को टीवी सीरियल के अलावा कई रियलिटी शोज में भी देखा जा चुका है। सोशल मीडिया पर भी इनकी काफी फैन फॉलोइंग है। अब वो गंगूबाई काठियावाड़ी से बॉलीवुड में अपना डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। 30 साल के शांतनु माहेश्वरी को टीवी शो दिल दोस्ती डांस से पॉपुलरिटी मिली थी। शो में कॉलेज लाइफ और डांस दिखाया गया था, जिसे यंग जनरेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया था। शांतनु के अलावा इसमें कुंवर अवर, वृषिका मेहता, शक्ति मोहन, अर्ची प्रतीक, अलीशा सिंह जैसे एक्टर्स नजर आए थे। बता दें कि शांतनु ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 में भाग लिया था और इसे वो जीत कर आए थे। इसके साथ ही वो कई रियलिटी शोज में नजर आ चुके हैं। वहीं बात करते हैं गंगूबाई काठियावाड़ी की। एक 16 साल की लड़की जो मुंबई के रेड लाइट एरिया में आई और एक डॉन के घर बेखौफ होकर घुसी और उसे राखी बांधाई। गंगू रेड लाइट एरिया में काम करने वाली महिलाओं के अधिकारों के लिए प्रधानमंत्री तक पहुंच गई। ये कहानी उस गंगूबाई की है जिसकी तस्वीर कमाठीपुरा की हर औरत और हर युवती अपने पास रखा करती है। 16 साल की गंगा हर जीवन दास काठियावाड़ी एक गुजरात के काठियावाड़ की एक लड़की थी। परिवार वाले बड़े इज्जत पसंद लोग थे और गंगा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन गंगा के मन में बॉलीवुड राज करता था और वो हीरोइन बनना चाहती थी और बॉम्बे आना चाहती थी। एक दिन उनके माता पिता के पास एक लड़का काम करने आया।
और उसका नाम था रमणीक, जो पहले से मुंबई में कुछ समय से था। जब ये बात गंगा को पता चली तो वो खुशी से नाचने लगी। अब गंगा को रमणीक के जरिए बॉम्बे जाने का एक सुनहरा मौका मिल गया था। गंगा ने रमणीक से दोस्ती की और दोस्ती कुछ समय बाद प्यार में बदल गई। इसके बाद गंगा और रमणीक ने भागकर शादी कर ली। इन्होंने मंदिर में शादी की और उसके बाद गंगा अपना कुछ सामान और माँ के गहने उठाकर रमणीक के साथ चली गई। ये दोनों मुंबई पहुंचे। कुछ दिन साथ में गुजारने के बाद रमणीक ने गंगा से कहा, जब तक मैं हमारे रहने की जगह नहीं ढूंढ लेता, तुम मेरी मौसी के पास रुको। गंगा रमणीक की बात मानकर मौसी के साथ टैक्सी में बैठकर चली गई। लेकिन गंगा ये नहीं जानती थी कि उसके पति ने गंगा को 500 रुपये में बेच दिया है। मौसी गंगा को कमाठीपुरा लेकर पहुंचती है, जो बॉम्बे का मशहूर रेड लाइट एरिया था। गंगा को जब ये बात पता चली तो गंगा बहुत चीखी चिल्लाई रोई, लेकिन आखिर में गंगा ने समझौता कर लिया, क्योंकि उसे ये पता था कि अब वो काठियावाड़ वापस नहीं जा सकती, क्योंकि अब उसे उसके घर वाले नहीं अपनाएंगे बेइज्जती के डर से। गंगा ने विरोध छोड़ दिया और वहीं वैश्यालय में रहना शुरू कर दिया। गंगा हर जीवन दास काठियावाड़ी अब गंगू बन चुकी थी और गंगू के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग जब भी कमाठीपुरा आते तो गंगू को जरूर पूछते। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार की कहानी आपको पर्दे पर दिखाई जाएगी। आपको गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म का कितनी बेसब्री से इंतजार है? क्या ये फिल्म हिट हो पाएगी? आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना। वी हैव टू गेट दिस स्टॉप। इसके लिए हमें स्पेशलिस्ट चाहिए। क्या क्रॉस इस लाइन कैसा रिश्ता था गंगूबाई का रहीम लाला के साथ? क्या कहा आलिया ने फिल्म में अपने एक्सपीरियंस को लेकर? बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज के लिए तैयार है और जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म के टीजर और गानों की वजह से लोग पहले ही काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने लोगों की बेताबी को बढ़ाने के लिए एक नया प्रोमो जारी कर दिया। दोस्तों, इस प्रोमो में अजय देवगन के रोल से पर्दा हटाया गया है। अभिनेता माफिया डॉन की भूमिका में अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है। वही ये प्रोमो फैंस के खूब पसंद आ रहा है। यहाँ तक कि यूट्यूब पर चंद ही घंटों में प्रोमो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज भी मिल गए। दोस्तों, फिल्म में अजय माफिया डॉन रहीम लाला के रोल में है, जो प्रोस्टिट्यूट गंगूबाई यानी की आलिया भट्ट के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोमो में घायल और पस्त गंगू को रहीम लाला से मदद मांगते हुए दिखाया गया, क्योंकि करीम लाला अपने ईमान धर्म और धंधे का पक्का है और गंगू को उससे मदद की उम्मीद है, जिसके बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और रहीम लाला ही गंगू को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब इसके अलावा एक सीन में आलिया अजय के पैर भी छूते हुए दिखाई दे रहे। अजय को उसके ऊपर किए गए सभी एहसानों के लिए शुक्रिया कहती है, जिसके बाद अजय आलिया को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हुए उसे माफिया क्वीन कहते हैं। फिल्म का ये प्रोमो अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। पोस्ट साझा करते हुए अजय ने लिखा, ईमान धर्म धंधा हम आ रहे हैं 6 दिनों में। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को संजय लीला भंसाली ने निर्देशित किया है, जो कि 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। हाल ही में फिल्म का गाना जब सैया रिलीज किया गया था, जिसमें एक्टर शांतनु महेश्वरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब गाने को दर्शकों ने काफी पसंद किया। आपको बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा अजय और आलिया फिल्म RRR में भी साथ नजर आएंगे। दोस्तों, इस फिल्म में अपने किरदार की तैयारियों और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ काम के अनुभव को लेकर आलिया ने कई बातें बताई। सच कहूँ तो हाँ, जब फिल्म रिलीज हो जाती है तो दर्शकों को अपनी फिल्म सौंप देते हैं, तब उस किरदार से निकलकर दूसरे किरदार की ओर बढ़ते हैं। बस अब तक इस फिल्म के साथ नहीं हुआ। कोरोना महामारी की वजह से इस फिल्म को शूट करने में ही 2 साल लग गए। मैं आज भी इस किरदार को बहुत ज्यादा करीब लेकर घूम रही हूँ। हाँ, हाईवे के दौरान भी ऐसा हुआ था। उस किरदार में मैं कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर रही थी। वो दिल्ली की लड़की थी, बड़े घर से थी। उसके जीवन में एक ऐसा सफर शुरू होता था जो उसे बदल देता था, जबकि गंगूबाई काठियावाड़ी के किरदार में इसे रिलेट नहीं कर सकती। जब आप किरदार से रिलेट नहीं करते, फिर भी आपका जुड़ाव किरदार के साथ ज्यादा हो जाता है, तो वो कलाकार के लिए बहुत ज्यादा अनोखी चीज होती है। अब ऐसे में क्या अभिनेत्री अपने किरदार को फिल्म में न्याय दे पाएंगी? क्यों फेल हुए भंसाली? क्या आलिया हुई अपने रोल पे पास? कहां कहां रही मूवी में कमियां? आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की मोस्ट अवेटेड मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी शुक्रवार को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। फैंस इस मूवी का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। मेकर्स ने सिनेमा घरों में रिलीज करने के लिए इस मूवी की रिलीज डेट को कई बार भी टाला था। मूवी की कहानी कमाठीपुरा की गंगूबाई की जिंदगी पर आधारित है।
जिसे कभी उसके पति ने मात्र 500 रुपए में बेच दिया था और वो फिर सेक्स वर्कर बन गई थी। मूवी में गंगूबाई का किरदार आलिया भट्ट ने निभाया है। उनके अभिनय की तारीफ मूवी के ट्रेलर रिलीज के दौरान से ही हो रही है। वही रहीम लाला जो गंगूबाई का मुंह बोला भाई होता है, उसके किरदार में अजय देवगन रचे हैं। मूवी रिलीज के बाद इसे क्रिटिक्स से मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। मूवी की कहानी गुजरात के काठियावाड़ में पली बड़ी गंगा हरी जीवन दास काठियावाड़ी की। गंगा के पिता बैरिस्टर होते हैं। 16 साल की उम्र में गंगा अपने पिता के साथ काम करने वाले रमनी के साथ भागकर मुंबई आ जाती है, अपना हीरोइन बनने का सपना पूरा करने के लिए। मुंबई लाकर उसका पति उसे कमाठीपुरा की उन गलियों में बेच देता है जहां पर हर रोज कई महिलाओं के जिस्म का सौदा होता है। पहले तो गंगा को यकीन नहीं होता, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हालात से समझौता कर देती है। वो गंगा से कमाठीपुरा की सेक्स वर्कर गंगू बन जाती है और फिर गंगू से गंगूबाई। उसकी जिंदगी में एंट्री होती है डॉन करीम लाला की। करीम लाला को गंगूबाई अपना भाई मान लेती है। उसके दम पर कमाठीपुरा पर गंगूबाई का राज होता है। सिल्वर स्क्रीन पर गंगूबाई की उस दर्द भरी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी को दिखाने में संजय लीला भंसाली सफल नहीं हुए। असल किरदार पर बनने वाली कहानी को जितना प्रभावित होना चाहिए वो इस मूवी में देखने को ही नहीं मिला। मूवी में गंगूबाई की कहानी को सिर्फ उतना ही दिखाया गया जितना हुसैन जैदी ने अपनी किताब में लिखा। इस पर और ज्यादा रिसर्च करके मूवी को दमदार बनाया जा सकता था। वैसे मूवी में आलिया भट्ट ने अपने किरदार के साथ पूरी तरह से न्याय किया है। पर्दे पर इस मूवी के लिए उनकी मेहनत साफ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, आलिया की आवाज में बदलाव देखने को मिला। पर्दे पर अपना रौब दिखाने के लिए आलिया ने जिस तरह से दमदार आवाज में डायलॉग डिलीवरी की है वो तारीफ के काबिल है। आलिया के अलावा सीमा पाहवा, विजय राज और शांतनु मिश्रा का अभिनय भी जबरदस्त रहा है। डायरेक्शन की बात करें तो भंसाली की इस मूवी में मजा नहीं आया, कई जगह कमी नजर आई है। वेल दर्शकों, आपका मूवी को लेकर क्या ख्याल है हमें कॉमेंट में। गंगूबाई काठियावाड़ी आपको करेगी निराश या आपका मूड कर देगी बिंदास? कैसी है कहानी? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जाल। दोस्तों, एक आम बॉलीवुड मसाला मूवी में कुछ फैक्टर्स जरूरी होते हैं। एक हीरो, एक हीरोइन, एक विलन और अच्छा सा क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स पर फोकस इसीलिए क्योंकि पूरी फिल्म बुनते डायरेक्टर अक्सर गलती करते हैं कि क्लाइमेक्स पर ध्यान नहीं देते, जो पूरी मूवी का निचोड़ होता है और दर्शक के लिए एक तरह का टेक अवे, यानी वो क्लाइमेक्स देखने के बाद अपनी अंतिम राय मूवी के बारे में बनाता है और अपने मिलने वालों को बताता है कि मूवी कैसी थी। संजय लीला भंसाली की इस मूवी में तीन हीरो होने के बावजूद कोई हीरो नहीं है, आलिया भट्ट ही हीरो है और वही हीरोइन। दूसरे कोई विलन भी नहीं है। विजय राज पहले विलन लगते हैं लेकिन वो छोटे स्तर के विलन साबित होते हैं। तीसरे मूवी का कोई क्लाइमेक्स ही नहीं है, था भी तो सेंसर बोर्ड ने एक ऐसा सीन काट दिया जिसकी लोग चर्चा करते। यूं भी ये मूवी संजय लीला भंसाली के लिए बड़ा रिस्क है क्योंकि कहां वो बजरंग मस्तानी, पद्मावत और रामलीला जैसी मूवीज रणवीर दीपिका जैसे स्टार कपल के नाम पर बनाते रहे और कहां बिना हीरो के लिए अकेली हीरोइन आलिया भट्ट। वहीं मान लीजिए कि गंगूबाई कोई असली किरदार नहीं थी बल्कि एक काल्पनिक किरदार थी। अब सोचिए कि जिस किरदार को अब मुख्य पात्र बना रहे हैं वो इतना कमजोर साबित होता है कि सैकड़ों लड़कियों के बीच उसके घर में कोई आता है और बुरी तरह से रेप करके चला जाता है और वो कुछ कर भी नहीं पाती। अंडरवर्ल्ड के डॉन के दरवाजे पर जाती है, फिर रजिया के रोल में अकेला विजय राज उसकी पूरी गैंग के सामने खाने में शराब मिलाकर चला जाता है, वो फिर भी कुछ नहीं कर पाती। पुलिस उसके ठिकाने पर रेड डालकर लड़कियों को पीटती है, बेबस होकर उसे पैसे देने पड़ते हैं। स्कूल वाले उसके कोठे पर चढ़ जाते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाती। कहने का मतलब ये है कि जिसे आप नायक के तौर पर पेश कर रहे हैं वो कई बार पिटने के बाद एक बार तो आक्रामक हो, लेकिन गंगूबाई ऐसा कुछ भी करती हुई नहीं।
दिखाई देती, बस डायलॉग मारती है। ऐसे में दर्शकों की नजर में वो नायिका के तौर पर एक दमदार किरदार के तौर पर नहीं उभरती है। फिर बार बार ये बताया गया कि वो कमाठीपुरा की लड़कियों के भले के लिए इतना काम कर रही है, जो कि साफ साफ दिख नहीं रहा कि प्रधानमंत्री उस तक पहुंच पाए, क्योंकि दिखाया गया है कि चुनाव जीतने के लिए वो दो या तीन लड़कियों की मदद करती है। मूवी में बस ये दिखाया गया है कि कमाठीपुरा की प्रेसिडेंट होने के नाते स्कूल वालों ने उसे निशाना बनाया, उसने केवल विरोध किया बोलकर, लेकिन ना कोई प्रदर्शन किया, ना ही कोई मोर्चा निकाला और ना ही कोई वकील किया जो कोर्ट में उनका केस लड़ सके। तो ऐसे में क्या उसने काम किए जिससे पीएम उसे जान पाए? किसी के निमंत्रण पर एक कार्यक्रम में भाषण के सिवाय अपने कोठे की कुछ बच्चियों को स्कूल में एडमिशन दिलाते हुए दिखी और बैंक खाता खोलते हुए, तो एक स्ट्रॉन्ग तरीके से पेश किया जाना था आलिया भट्ट को, जो कि नहीं किया गया। जिस तरह से ट्रेलर और गाने सामने आ रहे थे, काफी दिलचस्प लग रहे थे। ऐसे में जो काम दीपिका, रणवीर और शाहिद के जिम्मे था, आप पूरी वो आलिया के कंधों पे डांट रहे थे। तो इस हिसाब से आपको उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए था। फिल्म की कहानी की बात करें तो मूवी की कहानी है मुंबई के बदनाम इलाके कमाठीपुरा के, जहां कोठे चलाने वाली मौसी के यहां 60 के दशक में एक लड़की कोई बेच जाता है, जो काठियावाड़ के एक बैरिस्टर की बेटी गंगा थी, जो उसी लड़के के प्रेम में गिरफ्तार थी और हीरोइन बनने के लालच में अपने घर से उसके साथ भाग गई थी। धीरे धीरे वो उस कोठे पर ही जम जाती है, मौसी को ही चुनौती देने लगती है, जब रहीम लाला यानी कि अजय देवगन का एक आदमी उसके साथ कोठे पर बुरी तरह से रेप कर देता है। तो रहीम लाला के दर पर गुहार लगाती है कि वो अगली बार उसकी मदद करे, वो अगली बार उस आदमी को वहीं आकर बुरी तरह मारता है और उससे गंगूबाई की भी धाक जम जाती है। फिर मौसी की मौत के बाद गंगू ही उस कोठे की मालकिन बन जाती है। वही मूवी का एक सबसे दमदार पक्ष है कि हमेशा की तरह संजय लीला भंसाली का पुराने जमाने को अच्छी तरह से ढालने की कोशिश करना। कुछ सीन सेट वाकई बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही गली में थिएटर, डेंटिस्ट, उसके लवर टेलर का घर, रजिया का कोठा, ये सब एक ही गली में कैसे हो सकता था? फिर हर खंबे, हर नुक्कड़ पर पुरानी फिल्मों की पोस्टर की भरमार उसे किसी बॉलीवुड थीम रेस्टोरेंट जैसा लुक देती है। सो कई बार ये सेट बनावटी भी लगता है। आलिया भट्ट की एक्टिंग की बात करें तो ये दमदार लगी और फिल्म के गाने भी काफी दमदार थे। तो ओवरऑल अगर हम कौन सी बड़ी मुसीबत में फंसी फिल्म, क्या फिल्म की रिलीजिंग पर लग सकती है रोक? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो दोस्तों, आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज से पहले ही विवादों से घिर गई है। जी हाँ, संजय लीला भंसाली की फिल्म पर अब गंगूबाई के परिवार ने आपत्ति दर्ज कराई है और इस फिल्म को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। गंगूबाई के परिवार ने संजय लीला भंसाली की फिल्म पर आरोप लगाया है कि उन्होंने फिल्म में सही रियलिटी से छेड़छाड़ की है, फिल्म में गलत फैक्ट्स दिखाए गए हैं। गंगूबाई के बेटे के मुताबिक उनकी माँ एक सोशल एक्टिविस्ट थी, लेकिन फिल्म के अंदर उन्हें प्रोस्टिट्यूट के तौर पर दिखाया गया है। इस दौरान गंगूबाई की फैमिली ने यह भी कहा कि संजय लीला की इस फिल्म के बनने को लेकर उनसे कोई परमिशन नहीं ली गई। तो वहीं ये भी बताया गया है कि जब गंगूबाई पर किताब लिखी गई, उस वक्त भी परिवार की इजाजत नहीं ली गई थी। दरअसल गंगूबाई के परिवार में उनके बेटे बाबू राव जी शाह और उनकी पोती भारती फिल्म को लेकर बेहद नाराज हैं। पिछले साल बाबू राव जी शाह ने इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, फिल्म के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी। इसके बाद संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट को मुंबई की एक अदालत ने वॉर्न भी किया था। हालांकि बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने गंगूबाई काठियावाड़ी के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और फिल्म के निर्माताओं के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी थी। मामला अभी भी पेंडिंग है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबू राव जी शाह ने अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा, मेरी माँ को वैश्या बना दिया गया है, लोग अब मेरी माँ के बारे में बेवजह बातें करते रहते हैं। और सवालों का ये घेरा शुरू हुआ गंगूबाई काठियावाड़ी के ट्रेलर से। उसके बाद से ही असली गंगूबाई का परिवार बड़ी मुश्किलों से गुजर रहा है। ऐसे में गंगूबाई का परिवार अब मुंबई में बार बार अपना घर बदल कर रहने को मजबूर है। उनका कहना है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते के साथ ही आसपास के लोग उनसे तीखे सवाल कर रहे थे, जिससे वे परेशान हो गए थे। बताते चले, गंगूबाई ने 4 बच्चों को गोद लिया था, लेकिन आज उनका परिवार काफी बड़ा है। गंगूबाई के परिवार में 20 लोग रहते हैं।
तो यहाँ तो अब मामला बिगड़ता दिख रहा है और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी की असली कहानी बड़े पर्दे पर आने के बाद घर के लोगों या उस इंसान को पता चल रही हो। इससे पहले भी नीरजा, KGF 1, द डर्टी पिक्चर जैसी फिल्मों को लेकर ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी फिल्म बड़े पर्दे पर भी आई और धूम मचाया है। और अब बारी है संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। देखते हैं इस बार इस परिवार को इंसाफ मिलता है या नहीं। तो मेरा आप सभी से एक ही सवाल है कि क्या सच में राइटर फिल्म की कहानी में मसाला एक्स्ट्रा इमोशन डालने के लिए इंसान की छवि से छेड़छाड़ करते हैं। इसी के साथ फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही और मैं स्वाति लेती हूँ आपसे इजाजत। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और बताते जाएं कि आपको क्या जन्मदिन पर सबसे बड़ा तोहफा भंसाली को किसने दिया, क्या दलीलें दी थी भंसाली ने सुप्रीम कोर्ट में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोस। मैं बड़ा सुना आज आपके लिए लेकर आई हूँ गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्टर संजय लीला भंसाली को राहत मिली है। मूवी की रिलीज पर रोक लगाने की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसका मतलब आलिया की ये मूवी अपने टेस्ट शेड्यूल पर ही रिलीज होगी। पीएल गंगूबाई के परिवार ने इस मूवी पर सवाल उठाए थे। अपने बर्थडे के दिन डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के लिए इससे अच्छी कोई और ट्रीट नहीं हो सकती। उनकी मूवी पर फंसा पीट आखिरकार सुलझ ही हो गया। फैंस ने भी चैन की सांस ली है। वे अब बड़े मजे के साथ आलिया की मूवी को शुक्रवार के दिन थिएटर्स में एंजॉय कर पाएंगे। गंगूबाई काठियावाड़ी टाइटल पर आपत्ति जताई गई थी, इसे बदलने की मांग की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए निर्माता ने कहा कि आखिरी मौके पर मूवी का टाइटल बदलना संभव नहीं है। केस दायर करने वाले के पास गंगूबाई का गोद लिया हुआ बेटा होने का कोई सबूत नहीं है। 2011 में छपी किताब पर इतने सालों तक तो कोई चुनौती नहीं दी गई। हमारी मूवी में गंगूबाई का अपमान नहीं किया गया है। भंसाली प्रोडक्शन के वकील आर्यमा सुंदरम ने दलील दी कि याचिकाकर्ता ने अभी तक मूवी भी नहीं देखी है। इसमें गंगूबाई की छवि और चरित्र का कोई अपमान या हनन नहीं किया गया है, बल्कि ये मूवी तो एक महिला के उत्थान की कहानी है। ऐसा कोई तथ्य याचिकाकर्ता के पास नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि मूवी गंगूबाई के चरित्र का अपमान करती है। ये याचिका खारिज की जानी चाहिए। मुकुल रोहतगी ने कहा कि शुक्रवार को ये मूवी पूरी दुनिया में रिलीज होनी है। कई ऐसे थर्ड पार्टी के अधिकार इससे जुड़े हैं। उनके अधिकार 10 करोड़ रुपए से ज्यादा के हैं, जिनमें प्रोड्यूसर, एंकर, प्रदर्शक यानी थिएटर वाले शामिल है। ये चेन रिएक्शन की तरह एक दूसरे से रिलेटेड है। जाहिर है कि ऐसे में कोई भी प्रतिकूल आदेश इन पर सीधा असर डालेगा। देश विदेश के हजारों थिएटर में ये मूवी एक साथ रिलीज होगी। अदालत ये भी ध्यान रखे कि रिलीज रोकने से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, लेखक, डिस्ट्रीब्यूटर, थिएटर, दर्शक सहित कितनों पर कितना असर पड़ेगा। जस्टिस जेकी महेश्वरी ने कहा कि आपकी दलील का मुख्य आधार ये दावा है कि आप गंगूबाई काठियावाड़ी के दत्तक पुत्र हैं। इस पर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने कहा कि आपको बताना होगा कि किस विधि से आपको उन्होंने पुत्र के तौर पर दत्तक बनाते हुए गोद लिया था। आपने अब तक कहीं पर भी इसकी कोई जानकारी नहीं दी है कि आपको ये अधिकार कैसे मिला। वेल दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो क्या खास है इस नए प्रोमो में, कैसा रिश्ता था गंगूबाई का रहीम लाला के साथ, क्या कहा आलिया ने फिल्म में अपने एक्सपीरियंस को लेकर। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की अपकमिंग मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज के लिए तैयार है और जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। फिल्म के टीजर और गानों के वजह से लोग पहले ही काफी ज्यादा एक्साइटेड है। अब इसी बीच फिल्म के मेकर्स ने लोगों की बेताबी को बढ़ाने के लिए एक नया प्रोमो जारी कर दिया। दोस्तों, इस प्रोमो में अजय देवगन के रोल से पर्दा हटाया गया है। अभिनेता माफिया डॉन की भूमिका में अपनी पावर पैक परफॉर्मेंस देती नजर आ रही है। वहीं ये प्रोमो फैंस के खूब पसंद आ रहा है। यहाँ तक कि यूट्यूब पर चंद ही घंटों में प्रोमो को 10 लाख से ज्यादा व्यूज भी मिल गए। दोस्तों, फिल्म में अजय माफिया डॉन रहीम लाला के रोल में है, जो प्रोस्टिट्यूट गंगूबाई यानी की आलिया भट्ट के लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
प्रोमो में घायल और पस्त गंगू को रहीम लाला से मदद मांगते हुए दिखाया गया, क्योंकि करीम लाला अपने ईमान धर्म और धंधे का पक्का है और गंगू को उससे मदद की उम्मीद है, जिसके बाद दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है और रहीम लाला ही गंगू को आगे बढ़ाने में मदद करता है। अब इसके अलावा एक सीन में आलिया अजय के पैर भी छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजय को उसके ऊपर किए गए सभी एहसानों के लिए शुक्रिया कहती है, जिसके बाद अजय आलिया को अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हुए उसे माफिया क्वीन कहते हैं। फिल्म का ये प्रोमो अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है। पोस्ट साझा करते हुए अजय ने लिखा, ईमान धर्म धंधा हम आ रहे हैं 6 दिनों में। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को संजय लीला भंसाली ने निर्देशित किया है, जो कि 25 फरवरी को रिलीज होने जा रही है। हाल ही में फिल्म का गाना जब सैया रिलीज किया गया था, जिसमें एक्टर शांतनु महेश्वरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब गाने को दर्शकों ने काफी पसंद किया। आपको बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी के अलावा अजय और आलिया फिल्म RRR में भी साथ नजर आएंगे। दोस्तों, इस फिल्म में अपने किरदार की तैयारियों और निर्देशक संजय लीला भंसाली के साथ काम के अनुभव को लेकर आलिया ने कई बातें बताई। सच कहूं तो हाँ, जब फिल्म रिलीज हो जाती है तब दर्शकों को अपनी फिल्म सौंप देते हैं, तब उस किरदार से निकलकर दूसरे किरदार की ओर बढ़ते हैं। बस अब तक इस फिल्म के साथ नहीं हुआ। कोरोना महामारी की वजह से इस फिल्म को शूट करने में ही 2 साल लग गए। मैं आज भी इस किरदार को बहुत ज्यादा करीब लेकर घूम रही हूँ। हाँ, हाईवे के दौरान भी ऐसा हुआ था। उस किरदार में मैं कहीं ना कहीं खुद को रिलेट कर रही थी। वो दिल्ली की लड़की थी, बड़े घर से थी। उसके जीवन में एक ऐसा सफर शुरू होता था जो उसे बदल देता था, जबकि गंगूबाई काठियावाड़ी के किरदार में इसे रिलेट नहीं कर सकती। जब आप किरदार से रिलेट नहीं करते, फिर भी आपका जुड़ाव किरदार के साथ ज्यादा हो जाता है, तो वो कलाकार के लिए बहुत ज्यादा अनोखी चीज होती है। अब ऐसे में क्या अभिनेत्री अपने किरदार को फिल्म में न्याय दे पा। अब क्या मुकदमा हुआ है काठियावाड़ी पर? क्यों नहीं चाहता कानून की फिल्म हो रिलीज? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज से ठीक पहले एक बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। एक कांग्रेस नेता ने फिल्म का नाम बदलने की मांग को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी थी। वहीं स्थानीय निवासियों की ओर से भी एक याचिका दायर करके फिल्म पर स्टे लगाने की मांग की गई है। बता दें, गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार मंगलवार को कांग्रेस नेता और विधायक अमीन पटेल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके आरोप लगाया है कि फिल्म कमाठीपुरा इलाके को रेड लाइट एरिया के तौर पर दिखाती है, जिससे इस जगह और काठियावाड़ी समुदाय का नाम खराब हो रहा है। अमीन पटेल की याचिका में ये भी कहा गया है कि जिस किताब पर फिल्म आधारित है उसमें गंगूबाई का सरनेम काठियावाड़ी नहीं है। टाइटल से इस शब्द को हटाने की मांग की याचिका की गई है। अमीन पटेल की याचिका में निर्देशक संजय लीला भंसाली, निर्माता जयंतीलाल गड़ा और केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड सेंसर बोर्ड को रिस्पोंडेंट बनाया गया है। वहीं दोस्तों, लाइवला वेबसाइट के अनुसार एक याचिका कमाठीपुरा के निवासियों की ओर से भी फाइल की गई है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म में पूरे कमाठीपुरा इलाके को रेड लाइट एरिया की तरह दिखाया गया है। अगर फिल्म रिलीज हो जाती है तो इस इलाके की महिलाओं को मुश्किल हो सकती है। बता दें दोस्तों कि गंगूबाई के परिजन भी फिल्म को लेकर अपना विरोध दर्ज करवा चुके हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट टाइटल रोल में है। फिल्म की कहानी एस हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई के एक चैप्टर से ली गई है, जो एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जिसे हालात से मजबूर होकर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में उतरना पड़ा है, मगर अपनी सूझबूझ और साहस के दम पर वो अंडरवर्ल्ड और कमाठीपुरा इलाके की क्वीन बन जाती है। फिल्म में अजय देवगन रहीम लाला के किरदार में नजर आएंगे और हाल ही में गंगूबाई काठियावाड़ी की स्क्रीनिंग बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में हुई थी। तो दोस्तों, अब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है, अब आप हमें बताइए कि आपने ये फिल्म देखी है नहीं। हमें अपनी राय जल्दी से। अब फिर कंगना रनौत ने किस पे साधा निशाना? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज। मैं अपर्णा सिन्हा आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक्सक्लूसिव न्यूज सिर्फ आपके लिए। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। कंगना रनौत इन दिनों अपनी अपकमिंग शो लॉकअप को लेकर चर्चा में है, जिसके साथ वो छोटे पर्दे पर एंट्री करने जा रही हैं। इस बीच कंगना रनौत ने आलिया भट्ट की आने वाली मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी पर चुटकी ली है। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित ये मूवी इस सप्ताह के अंत में रिलीज होने वाली है, लेकिन इससे पहले कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज के जरिए आलिया भट्ट, गंगूबाई और महेश भट्ट पर निशाना साधा है। अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कंगना रनौत ने इस हफ्ते 200 करोड़ जलकर खाक होने की बात कही है। कंगना लिखती है, इस शुक्रवार बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ जलकर राख हो जाएंगे।
एक पापा की परी के लिए, क्योंकि पापा साबित करना चाहते हैं कि रोम कॉम बिम्बो अभिनय कर सकती है। मूवी की सबसे बड़ी कमी गलत कास्टिंग है। ये नहीं सुधरेंगी, कोई आश्चर्य नहीं है कि स्क्रीन दक्षिण और हॉलीवुड फिल्मों में जा रही है। बॉलीवुड को कयामत जब तक मूवी माफिया के पास शक्ति है। कंगना को हाल ही में गंगूबाई काठियावाड़ी से एक छोरी लड़की की नकल करते हुए एक वीडियो पर आपत्ति जताते हुए देखा गया था। अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कंगना ने कहा था, क्या इस बच्चे को एक सेक्स वर्कर की नकल मुंह में बेड़ी और कच्चे और अश्लील संवादों के साथ करनी चाहिए? उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या इस उम्र में इस तरह के एक्ट करना ठीक है? सैकड़ों और बच्चे हैं जिनका इसी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। वेल दर्शकों, आपकी क्या राय है इस बात पर? आप अपनी ओपिनियन हमारे कमेंट बॉक्स। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीक्रेड स्टूडियोस। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी थिएटर में दस्तक दे चुकी है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी ओपनिंग दिखाई। वहीं दूसरे दिन यानी कि शनिवार की शुरुआत शोज की ऑक्यूपेंसी में भी बढ़ोतरी दिखी। कोई शक नहीं कि लंबे समय से टलते टलते अब रिलीज हुई ये फिल्म दर्शकों को एंटरटेन कर रही है। आपको पता है कि इस फिल्म का बजट कितना है? फिल्म का बजट काफी भारी भरकम बताया जा रहा है। कोविड की वजह से फिल्म कई बार पोस्टपोन हुई है, उसका भी नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा फिल्म के लिए सितारों की फीस को लेकर भी काफी चर्चा है। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म के लिए आलिया भट्ट और अजय देवगन ने भारी भरकम फीस ली है। आलिया भट्ट की पिछली फिल्मों को देखा जाए तो एक्ट्रेस ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। राजी, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, गली बॉय, डियर जिंदगी जैसी फिल्मों में आलिया ने अपना भरपूर पावर दिखाया है, जिसका नतीजा है कि आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। आलिया भट्ट ने इस फिल्म में गंगूबाई की यानी कि अहम किरदार प्ले करने के लिए 20 करोड़ की भारी भरकम फीस ली है। गौरतलब है कि कलंक के अलावा आलिया की ज्यादातर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हैं। वहीं बात करें अजय देवगन की, फिल्म में रहीम लाला का कैमियो किरदार निभा रहे अजय देवगन भले ही फिल्म में कुछ मिनटों के लिए हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने 11 करोड़ की तगड़ी फीस ली है। कोई शक नहीं कि अजय देवगन आज भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर की पहली पसंद बन चुके हैं। हुमा कुरैशी, हुमा फिल्म में एक खास कव्वाली गाने में दिखी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुमा कुरैशी ने इस गाने के लिए 2 करोड़ रुपए की फीस ली। अफवाह ये भी है कि संजय लीला भंसाली की अगली वेब सीरीज में भी हुमा कुरैशी नजर आएंगी। विजय राज, इन्होंने इस फिल्म में एक ट्रांसजेंडर रजिया बाई की भूमिका निभाई है, जिसके लिए इन्होंने 1.5 करोड़ की फीस ली है। उनका ये किरदार काफी चुनौतीपूर्ण रहा और सोशल मीडिया पर भी उनके अभिनय को लेकर खूब चर्चा की जा रही है। शांतनु माहेश्वरी, इन्होंने इस फिल्म के लिए 50 लाख की फीस ली है। सीमा पावा, 20 लाख रुपए। ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ मेन कैरेक्टर में 35 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किया गया है। अगर एक्टर्स ने 35 करोड़ रुपए लिए तो सोचिए बाकी फिल्म में कितने पैसे लगे होंगे। वेल, आपको कैसी लगी ये फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। किस वजह से बनाते हैं भंसाली अधूरी प्रेम कहानी? किस किस फिल्म में रहा प्यार अधूरा? क्यों है भंसाली की जिंदगी अधूरी? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। संजय लीला भंसाली की प्रेम कहानियाँ दिल को छू लेती है। प्रेम और दर्द के ये डायरेक्टर लगभग 59 साल के हो गए हैं। मशहूर फिल्म डायरेक्टर का जन्म 24 फरवरी 1963 को हुआ था। इस बात का खुलासा भी हो चुका है कि उनकी फिल्मों में प्रेम, दर्द और विरह का कॉम्बिनेशन क्यों इतना देखने को मिलता है। संजय लीला भंसाली ने कुछ समय पहले दिए अपने इंटरव्यू में इस बात को माना था कि वो रिलेशनशिप में थे लेकिन वो चल नहीं सका। उन्होंने माना था कि उनकी जिंदगी अधूरी हो सकती है लेकिन दुख भरी नहीं है। जब संजय लीला 50 साल के हुए थे, उन्होंने कहा था, प्रेम, दर्द, जुनून और इनसे जुड़ी हर बात ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। मैंने जुनूनी भरी प्रेम कहानियाँ बनाई हैं क्योंकि मेरी जिंदगी में प्यार नहीं है। मेरी आज मेरी जिंदगी के अधूरेपन को भरने का काम करती है। दिलचस्प ये है कि संजय लीला भंसाली ने इस इंटरव्यू में सलमान खान को अपने दिल में काफी करीब बताया था। सलमान खान संजय लीला भंसाली के साथ खामोशी और हम दिल दे चुके सनम जैसी फिल्में बना चुके हैं। खामोशी हालांकि सफल नहीं हो सकी थी, लेकिन इसे क्रिटिकली काफी सराहाया गया था। बतौर डायरेक्टर ये उनकी पहली फिल्म थी। 25 फरवरी को संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज होने जा रही है। अजय देवगन ने कैसी वाहवाही लूटी? करीम लाला के अलावा और कितनी बार डॉन बने हैं अजय देवगन? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं वर्णा सिन्हा आज आपके लिए लेकर आई हूँ
गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखिएगा दर्शकों। आने वाले शुक्रवार को रिलीज होने जा रही फैन स्टूडियोज की मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी में अभिनेता अजय देवगन की टील डॉल और चेहरे मोहरे ने शनिवार को सोशल मीडिया पर खूब हवाही लूटी। मूवी में अजय देवगन के किरदार करीम लाला को लेकर जारी एक शो रील में उनके किरदार को कहानी की नायिका गंगूबाई की मदद के लिए आगे आते दिखाया गया और ये भी दिखाया गया कि कैसे वो कमाठीपुरा पहुँच कर उसके विरोधियों की पिटाई करता है। करीम लाला बाद में उसे अपना हिस्सेदार बनाते हुए माफिया क्वीन का तमगा भी देता है। इस किरदार के साथ ही अजय देवगन ने बड़े पर्दे पर मुंबई के तीनों कुख्यात माफिया डॉन को निभाने का चक्र भी पूरा कर लिया। गंगूबाई काठियावाड़ी में अजय देवगन के किरदार का नाम करीम लाला है। मूवी से जुड़े सूत्र स्वीकार करते हैं कि ये किरदार मुंबई अंडरवर्ल्ड में दहशत का नाम कह रहे करीम लाला पर आधारित है। करीम लाला का पूरा नाम था अब्दुल करीम शेर खान था और उसने मुंबई में अफगान पठानों का एक गुट बनाकर मालदार लोगों के बीच होने वाले आर्थिक विवादों के निपटाने के ठेके लेने शुरू किए थे। करीम लाल के उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलने का भी एक चित्र कई बार चर्चा में रहा है। ये उस वक्त की फोटो है जब वो पद्म पुरस्कार पाने वाले हरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय के साथ दिल्ली में था। दिलचस्प ये भी है कि इमरजेंसी के दौरान जब हाजी मस्तान जैसे तमाम अंडरवर्ल्ड डॉन जेल में डाल दिए गए थे, करीम लाला पर किसी ने हाथ तक नहीं डाला। हाजी मस्तान भी मुंबई अंडरवर्ल्ड का कुख्यात नाम रहा है। कहते हैं कि निर्देशक यश चोपड़ा की मूवी दीवार उसी किरदार पर आधारित थी और अमिताभ बच्चन ने जो किरदार किया वो हाजी मस्तान से ही प्रेरित था। हाजी मस्तान के किरदार पर आधारित एक किरदार अजय देवगन ने मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में भी किया। मूवी में इस किरदार का नाम सुल्तान मिर्जा है। साल 2010 में रिलीज हुई ये मूवी रजत अरोरा ने लिखी। इस मूवी की गिनती अंडरवर्ल्ड पर बनी दमदार हिंदी फिल्मों में होती है। मूवी के निर्माता एकता कपूर थी और मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी अच्छी कमाई की। इस मूवी में इमरान हाशमी का किरदार दाऊद इब्राहिम से प्रेरित किया जाता है। दाऊद इब्राहिम से प्रेरित एक किरदार अजय देवगन ने मूवी कंपनी में किया। मूवी में इस किरदार का नाम मलिक है और जयदीप सहानी के लिखे इस मूवी को निर्देशित किया है राम गोपाल वर्मा ने। 2002 में रिलीज हुई इस मूवी में विवेक ओब्रॉय ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। मूवी में उनका किरदार चंदू नाग रियासल अंडरवर्ल्ड के चर्चित किरदार छोटा राजन से प्रेरित बताया जाता है। इस मूवी की कहानी राम गोपाल वर्मा को दाऊद के करीबी हनीफ से मिली जानकारी पर आधारित है। मूवी निर्माण से करीब से जुड़े रहे सूत्र बताते हैं कि राम गोपाल वर्मा दरअसल अजय देवगन से मिलने किसी और का क्या शिकायत है रणबीर कपूर को आलिया के किरदार से, कैसे बना करीम लाला गंगूबाई का भाई। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्रेड स्टूडियोज में। गंगूबाई काठियावाड़े फिल्म जल्द ही 25 फरवरी को बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। ऐसे में आलिया भट्ट और फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला बंसाली काफी जोरों शोरों से फिल्म की प्रमोशन करने में लगे हुए हैं, जहां आलिया के बॉयफ्रेंड मीडिया को देखते हुए गंगूबाई के स्टाइल में नमस्ते करते हुए दिखे और इस वीडियो के बाद हर जगह सब रणबीर कपूर की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। कोई कह रहा है वाह क्या सपोर्टिंग बॉयफ्रेंड है, तो कोई रणबीर कपूर के लुक्स को देख के फिदा हो रहा है। हमारे लवर बॉय अपनी गर्लफ्रेंड की फिल्म का लगे हाथ प्रमोशन तो कर रहे हैं, लेकिन वो आलिया के फिल्म के किरदार गंगूबाई को लेकर थोड़ा परेशान भी हैं। दरअसल रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि आलिया अपने किरदार के अंदर इस कदर घुस गई है कि मुझे लगता है वो सेट से ज्यादा घर पर गंगूबाई बनी फिरती है। उसकी लैंग्वेज और बॉडी स्टाइल बिल्कुल गंगूबाई जैसा हो गया है और मैं काफी परेशान हूँ कि वो नॉर्मल कब होगी। जिस पर डायरेक्टर संजय लीला बंसाली ने आलिया की तारीफ करते हुए कहा कि वाह डेडिकेशन हो तो आलिया भट्ट जैसी। वहीं फिल्म की बात करें तो सबको पता है फिल्म में गंगूबाई काठियावाड़ी की क्वीन ऑफ माफिया है और कैसे उसे एक छोटे से शहर से लेकर बड़े शहर में बेच दिया जाता है और सीधी सी गंगा कैसे गंगूबाई बनती है और गंगूबाई से फिर काठियावाड़ी की क्वीन। लेकिन इस कहानी में एक किरदार ऐसा है जो थोड़ा छोटा बेशक हो लेकिन गंगूबाई के जीवन में काफी इम्पोर्टेंट रोल रखता है।
हम बात कर रहे हैं करीम लाला के किरदार की, जिसको बड़े पर्दे पर अजय देवगन निभाने वाले हैं और फिल्म में वो बनेंगे गंगूबाई के मुंह बोले भाई। तो ये कहानी शुरू होती है एक दिन शौकत खान नाम का एक पठान काथीपुरा में आता है। आने के बाद वो सीधे गंगू के पास गया और उसे बेरहमी से नोचा, घसीटा और बिना पैसे दिए चला गया। और ऐसा दूसरी बार भी हुआ, जिसने गंगू को बचाने की कोशिश की पठान ने उसे बड़ी बेरहमी से धकेल के घायल कर दिया। पर इस बार गंगू की इतनी बुरी हालत हुई कि उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। इसके बाद गंगू ने अपने मन में ठान लिया कि वो इस आदमी को सजा देगी। जानकारी जुटाने के बाद पता चला कि उस आदमी का नाम शौकत खान है और वो मशहूर डॉन करीम लाला के लिए काम करता है। उसके बाद गंगू करीम लाला के घर के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी सारी हालत बयां कर देती है। करीम तब उसे सुरक्षा का पूरा दिलासा देता है, जिसके बाद गंगू एक धागा राखी के रूप में करीम की कलाई पर बांध देती है और एक डॉन को अपना राखी भाई बना लेती है। 3 हफ्ते के बाद वो पठान वहां फिर आता है, लेकिन इस बार खबरी करीम लाला को अपने साथ ले आता है, जिसके बाद करीम ने शौकत को इतना मारा के वो अधमरा हो गया। और करीम ने सबको चेतावनी दी कि गंगू मेरी बहन है, अगर इसे किसी ने भी हाथ भी लगाया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। इसके बाद कमाथीपुरा में गंगू की धाक जम जाती है। आने वाली फिल्म में भी हमें ऐसी ही कहानी में थोड़ा इमोशन और मसाला डालकर दिखाया जाने वाला है। तो देखते हैं फिल्म आती है तो कैसा रहता है इसका प्रदर्शन। इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ यही इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोस। टॉलीवुड सुपरस्टार पवन कल्याण और राणा दुग्गुबाती की हालिया रिलीज फिल्म भीमला नायक थिएटर पर धुआंधार कमाई कर गई। फिल्म को तेलुगु राज्यों में दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म ने तीसरे दिन शानदार कमाई करते हुए मोटी रकम अपने खाते में जोड़ ली है। अब ये फिल्म 100 करोड़ रुपए के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। सुपरस्टार पवन कल्याण और राणा दुग्गुबाती की ये फिल्म भीमला नायक तीसरे दिन जबरदस्त कमाई करते हुए 90 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच चुकी है। फिल्म की कमाई के ताजे आंकड़े सामने आ चुके हैं। फिल्म ने करीब 25 करोड़ 37 लाख रुपए की कमाई की है, जबकि फिल्म ने अपने दूसरे दिन 23 करोड़ 10 लाख की कमाई की और पहले दिन फिल्म ने बम्पर कमाई की, बम्पर ओपनिंग की 39 करोड़ रुपए की। इस हिसाब से फिल्म की कुल कमाई होती है 87 करोड़ 51 लाख। फिल्म को हासिल हुई ये कमाई तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉक्स ऑफिस से हुई है। उम्मीद है कि फिल्म 4 दिन में 100 करोड़ से भी ऊपर की कमाई कर लेगी। कोविड के बाद जिस तरह से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि कोविड का असर इन फिल्मों पर पड़ा है, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सी फिल्में रिलीज हुई और उन पर कोविड की बहुत मार पड़ी है। आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी रिलीज हुई, लेकिन फिल्म अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है जितना कि ये फिल्में कर रही हैं बॉक्स ऑफिस पर। देखा जाए तो अभी फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी सामने आने वाला है और इस हिसाब से फिल्म आराम से 150 से 200 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी सिर्फ अपने 4th दिन में। तो क्या कहना है इस बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। अल्लू अर्जुन और रश्मिका वंदना की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा ने कमाई के कई रिकॉर्ड बना दी। साउथ ही नहीं बल्कि नॉर्थ बेल्ट में भी फिल्म ने तगड़ी कमाई की। पुष्पा के बाद अब साउथ की 2 और फिल्में तगड़ी कमाई कर रही हैं। यहां तक कि इनके साथ ही रिलीज हुई बॉलीवुड फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी कमाई के मामले में इन दोनों फिल्मों से काफी पीछे है। गंगूबाई काठियावाड़ी ने जहां फर्स्ट वीकेंड शुक्रवार, शनिवार, रविवार में सिर्फ और सिर्फ 39 करोड़ रुपए कमाए, वहीं पवन कल्याण और राणा दुग्गुबाती की फिल्म भीमला नायक ने अपने फर्स्ट वीकेंड में 90 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है। इसके अलावा अजीत कुमार की वल्ली मई फिल्म ने भी शानदार कमाई की, क्योंकि माने तो फिल्म ने अपने तीसरे दिन 25 करोड़ 37 लाख की कमाई की। फिल्म ने अपने दूसरे दिन 23 करोड़ 10 लाख और पहले दिन तो फिल्म ने बम्पर कमाई की थी 39 करोड़ 4 लाख। इस तरह से टोटल होता है 87 करोड़। पवन कल्याण और राणा दुग्गुबाती स्टारर फिल्म भीमला नायक सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बम्पर कमाई करी है। इस फिल्म को ऑस्ट्रिया, अमेरिका, नीदरलैंड जैसे देशों में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसकी वजह से फिल्म वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा कमाई कर चुकी है।
वहीं अजीत की फिल्म की बात करें तो वल्ली मई को रिलीज हुए 4 दिन हो चुके हैं। ये फिल्म 24 फरवरी को रिलीज हुई। फिल्म ने अकेले तमिलनाडु में ही ताबड़तोड़ कमाई करते हुए रिलीज के 4th दिन 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है, जहां फिल्म ने अपने पहले दिन 36 करोड़, दूसरे दिन 24 करोड़, तीसरे दिन 20 करोड़ और 4th दिन 27 करोड़ की कलेक्शन की। इस तरह से फिल्म का टोटल कलेक्शन 109 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। वल्ली मई ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब 125 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ऐसे में देखा जाए तो गंगूबाई काठियावाड़ी आलिया भट्ट की फिल्म बहुत 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 पीछे है फिल्म के कलेक्शन के मामले में, जहां बाकी की ये दोनों फिल्में 10 दिन में 200 से 250 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर सकती है। वही फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 100 करोड़ के क्लब में पहुंचते पहुंचते रह जाएगी। आपको क्या लगता है गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया नहीं करने वाली डांस, सीमा पवा ने क्यों बदला ट्रैक और हर एक्टर को क्यों मिलना चाहिए भंसाली का साथ? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोस, मैं हूं सोनिका जुआल। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म होने वाली है गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म को लेकर हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है, कोई ना कोई टैलेंटेड एक्टर इससे जुड़ता ही रहता है। और आखिर ऐसा क्यों हो भी ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है और भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसे कहा जा सकता है। आपको बताते हैं, दम लगा के हाइशा, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल, सावधान और सूरज पे मंगल भारी फिल्मों में एक्टिंग करने वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस सीमा पाहवा ने ट्रैक बदल दिया है। कैसी, चलिए आपको बताते हैं। संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी में सीमा ने एक ऐसी भूमिका चुनी है जो उन्होंने अब से पहले कभी करी ही नहीं है। साल 1984 में आई दूरदर्शन सीरीज हम लोग में पहली बार नेशनल पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की थी। इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है फिल्म में अपने कैरेक्टर को रिवील ना करते हुए उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि भंसाली ने इस रोल के लिए उनके बारे में सोचा, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिस तरह के कैरेक्टर उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी में निभाया, ना ही ऐसे रोल के प्रति उनका कभी झुकाव रहा। इस स्पेशल रोल में केवल भंसाली जैसे विजनरी ही उनके बारे में सोच सकते हैं। सीमा जी का भंसाली की फिल्मों के बारे में कहना है कि हर एक्टर जो एक्टिंग को इम्पोर्टेंस देता है उन्हें कम से कम एक बार संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहिए। उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन सेंस किसी भी डायरेक्टर से किए गए काम से ज्यादा मंझा हुआ है। डायरेक्टर के रूप में उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक परफेक्शनिस्ट है। वो हर एक्टर और टेक्नीशियन में सबसे बेस्ट ढूंढ ही लेते हैं। जब भंसाली ने उन्हें ये रोल ऑफर किया था तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन उन्हें तब ये अंदाजा नहीं था कि एक्सपीरियंस कितना फायदेमंद होने वाला है। अब जबकि उन्होंने उनके साथ एक बार काम कर लिया है तो वो उनके साथ दोबारा काम करने के लिए और ज्यादा इंतजार कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि भंसाली उन्हें दूसरी फिल्म में जरूर कास्ट करेंगे। वहीं फिल्म के बारे में बात करते हुए आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की एक झलक और टीजर आने के बाद फैंस इसे लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं और आलिया ने अपने अभी सीन की शूटिंग लगभग खत्म कर ली है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भंसाली के प्रोजेक्ट को लेकर सामने आया है कि आलिया इस फिल्म में किसी भी तरह का डांस नंबर नहीं करने वाली है। इस फिल्म में सिर्फ एक डांस नंबर होगा जिसमें हुमा कुरैशी नजर आएगी। बाकी के सभी गाने म्यूजिक के रूप में फिल्म में अलग अलग सिचुएशन में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह आपको सुनाई देंगे। आलिया के डांस न करने के पीछे वजह ये है कि एक्ट्रेस का किरदार कुछ ऐसा है कि उस पर डांस करना सूट नहीं करता, इसीलिए निर्माताओं और निर्देशकों ने ये फैसला लिया। अब देखना होगा कि आलिया भट्ट इस फिल्म से कितना बड़ा तहलका मचाएंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। फिल्म चलाने के लिए भंसाली ने चली कौन सी चाल? फिल्म में किसकी हुई न्यू एंट्री? क्या फिल्म में होगी दो एक्ट्रेसेस? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपर हिट एंड सुपर क्यूट हीरोइन आलिया भट्ट के आने वाले बिग बजट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अगली रिलीज होने वाली फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। इसकी शूटिंग काफी समय से चल रही है। फिल्म को लेकर संजय लीला भंसाली ने काफी कुछ पिछले साल ही शुरू कर दिया था। उनकी इस फिल्म को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अब हुमा कुरैशी भी नजर आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको ये गर्मा गर्म एंट्री का राज।
दोस्तों वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में हर कलाकार की इच्छा होती है कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करे, फिर चाहे रोल कैसा भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हुमा कुरैशी के साथ भी हुआ। जब हुमा कुरैशी को संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी में एक स्पेशल सॉन्ग और डांस नंबर के लिए कहा तो उन्होंने इसे करने के लिए तुरंत ही हामी भर दी। भंसाली अपनी फिल्मों की हर एक चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसलिए वो ऐसे डांसर चाहते थे जो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से ही गाने में जान डाल दे। ऐसे में उनको हुमा कुरैशी का नाम सूझा। वही हुमा के लिए ये बड़ा ब्रेक साबित होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह फिल्म रामलीला में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एक लोकप्रिय डांस नंबर किया था। जी हाँ, वही गाना, राम चाहे लीला चाहे, लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में तुम्हें। बस बस, इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकती। आई एम 100% श्योर कि आप सभी ने ये गाना सुना भी है और देखा भी है। हालांकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण थी, पर इस गाने के बाद दोनों ही एक्ट्रेसेस को फिल्म के हिट होने का क्रेडिट दिया गया था। प्रियंका का ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। उस वक्त प्रियंका का करियर ग्राफ थोड़ा थन चल रहा था, मगर इस गाने के रिलीज के बाद उनके करियर को एक अलग ही ऊंचाई मिल गई। हो सकता है ये ब्रेक हुमा के करियर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आप हुमा के फैन हैं तो इस बारे में आपका क्या कहना है? या दोस्तों आपको बता दें कि हुमा फिल्म में मुजरा नहीं कर रही, ये एक भड़कीला आइटम नंबर है। वैसे तो बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन इंडस्ट्री, सभी में आइटम नंबर का बोलबाला रहता ही है। फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे चलाने के लिए फिल्म मेकर्स हर फिल्म में आइटम नंबर्स को रखते ही है, और इस यूएसपी को भंसाली अपने हर फिल्म में डालने की कोशिश करते हैं। पहले के समय में आइटम नंबर्स करने के लिए खास तौर पर एक्ट्रेस या मॉडल्स अलग से होती थी, जो केवल फिल्मों में आइटम गाने को परफॉर्म करने के लिए ही होती थी। लेकिन इस चलन को बॉलीवुड की ही टॉप एक्ट्रेस ने तोड़ा है। बॉलीवुड के कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने फिल्मों में आइटम नंबर्स परफॉर्म किया है, और अब भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के जरिए हुमा का भी नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वही एक्ट्रेस हुमा कुरैशी उन एक्ट्रेसेस में शुमार है जिन्होंने अपने करियर में तमाम फिल्में और वेब सीरीज से खूब नाम कमाया है। दर्शकों को हुमा की एक्टिंग और उनका ग्लैमरस अंदाज हर बार काफी पसंद आता है। हुमा ने अपनी फिल्मों में ना केवल जबरदस्त एक्टिंग बल्कि ढेरों डांस भी किए हैं। उनकी फिल्मों के कई गाने ऐसे हैं जो आज भी खूब सुने जाते हैं। हुमा कुरैशी के शानदार परफॉर्मेंस के वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसमें उनका बोल्ड लुक देखने को मिलता है और ऑडियंस उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। इसीलिए तो भंसाली ने हुमा को ये ऑफर देने का सोचा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले इस आइटम सॉन्ग में उनका शानदार परफॉर्मेंस और ग्लैमर अंदाज हमें देखने को मिलेगा। वैसे तो हुमा की डांसिंग स्किल्स स्क्रीन पर हंगामा क्रिएट करने के लिए कुछ खास नहीं जानी जाती है, लेकिन जब कमान भंसाली के पास में हो तो भाई सब कुछ मुमकिन है। अगर हम फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी मुंबई की लेडी माफिया डॉन गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी पर आधारित है, जिस किरदार को फिल्म में आलिया ने निभाया है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन का कैमियो भी नजर आएगा, वो फिल्म में आलिया के मेंटर का रोल निभाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं संजय लीला भंसाली की आने वाली मास्टरपीस गंगूबाई काठियावाड़ी में बॉलीवुड की सुपर क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और सुपर ग्लैमरस एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के आइटम नंबर के लिए? ये आप हमें नीचे से कमेंट बॉक्स से उसमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। इस फिल्म के मेन रोल में हमें कौन नजर आने वाला है? ये फिल्म किसकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? ये फिल्म ऑडियंस तक कब तक पहुंच पाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके चर्चे उसके रिलीज से पहले ही काफी हो रहे हैं, और दोस्तों ऑडियंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज हम बात करेंगे एक बायोग्राफिकल फिल्म की। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड और जयंती लालगड़ा और संजय लीला भंसाली द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। तो दोस्तों फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल क्राइम डेटा फिल्म है, जिसमें हमें मेन लीड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट एज अ गंगूबाई काठियावाड़ी नजर आई थी।
इस फिल्म से पहली बार बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं टेलीविजन के मशहूर स्टार शांतनु महेश्वरी, जिन्होंने लोगों को कई शोज जैसे दिल दोस्ती डांस और ये है आशिकी जैसी मूवीज से सबका दिल जीता। वो यहाँ हमें गंगूबाई के हस्बैंड रामनिक लाल के रोल में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है ऑन द बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, जिसके ऑथर हैं एस हुसैन जैदी। जहां ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल लड़की से जो काठियावाड़ से बिलोंग करती है और जहां उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो पूरी जिंदगी में चल रहे सारे उतार चढ़ाव को अपना ले। ये एक ऐसी स्टोरी आया जहां गंगा के लाचार होने से तो शुरू होती है मगर एंड होती है जहां वो पूरी कमाथीपुरा यानी उस रेड लाइट एरिया को कैप्चर करते हुए वहां की रानी बन जाती है। दोस्तों, हालांकि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 30 जुलाई 2021 को, लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग को ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मार्च 2020 में रोक दिया गया था और तब तक फिल्म की 70% शूटिंग ही कम्प्लीट हो सकी थी। फिर जब कोविड सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ तो इस फिल्म को रिज्यूम किया गया ऑन अक्टूबर 2020। एंड रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों एक्टर अजय देवगन जो कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं, उन्होंने फरवरी 2021 में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की है। इतना ही नहीं, इस फिल्म की बेसब्री से इंतजार कर रही ऑडियंस इस फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट का बायोपिक एक्टिंग देखने को एक्साइटेड है। अब उम्मीद है कि ये मूवी जल्द से जल्द आए और सभी को एंटरटेन करे। जानिए कैसा था मुंबई अंडरवर्ल्ड के इन माफिया क्वींस का राज, गंगूबाई के साथ अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी आखिर क्या थी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बात करते हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी एक रियल लाइफ बेस्ड बायोपिक होने वाली है और आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली कुछ डेयरिंग क्वींस के बारे में, जिनकी रियल लाइफ स्टोरी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उस टाइम के फेमस क्राइम रिपोर्टर और राइटर हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड में उन सभी क्वींस का जिक्र है जिन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी थी। इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी हुसैन जैदी की इस किताब से ही इंस्पायर्ड है। जुर्म की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने वाली ही कुछ ऐसी ही माफिया क्वींस के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहला है जैनबाई दारूवाला। जैनब अका जैनबाई दारूवाला देश की सबसे पहली लेडी डॉन मानी जाती थी और दोस्तों मुंबई के डोंगरी इलाके में दारू का धंधा करने वाली इस माफिया क्वीन के एक एक शब्द हाजी मस्तान और दाऊद जैसे गैंगस्टर्स के लिए भी पत्थर की लकीर हुआ करते थे। दोस्तों, जैनबाई ने शराब के धंधे से लेकर चावल की ब्लैक मार्केटिंग तक का काम किया है। उम्र के अंतिम पड़ाव में जैनबाई के बेटे का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद उसने अपने सभी धंधे बंद कर दिए। दोस्तों, जैनबाई को जानने वाले बताते हैं कि 1993 में मुंबई में हुए धमाकों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई और वह बीमार रहने लगी। धमाकों के कुछ साल बाद ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। दोस्तों, दूसरी हैं करीमा मुजीब शाह। दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड में करीमा मुजीब शाह को आपा के नाम से बुलाया जाता है। आपा का सिक्का यानी कि दबदबा आज भी मुंबई के घाटक कोपर इलाके में चलता है। करीमा इल्लीगली झुग्गी बनाने का काम करते करते महज 6 साल में माफिया क्वीन बन गई थी और उनके गैंग में 50 मेंबर थे। पांचवी पास करीमा का पति स्क्रैप डीलर था और उसने खुद करियर की शुरुआत इल्लीगल तरीके से झुग्गियां बनाकर कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद से इसका इन्फ्लुएंस और दुश्मन दोनों बढ़ने लगे और दोस्तों प्रोडक्शन के लिए उसने अपने पास रैकेट में पहले मेंबर सबाबू पानीकर को शामिल किया। दोस्तों, ताजुब की बात है कि इसके कुछ ही दिन पहले पुलिस ने करीमा को अरेस्ट किया था। दोस्तों, तीसरी है रेशमा मेमन और शबाना मेमन। दोस्तों, 90s के मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे फेमस नामों की लिस्ट में रेशमा और शबाना मेमन का नाम भी शुमार है। ये दोनों दौर की सबसे खतरनाक माफिया क्वींस मानी जाती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1993 के मुंबई ब्लास्ट में सिर्फ दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का हाथ नहीं था, माना जाता है कि पूरी देश को दहला देने वाले इस कांड में टाइगर की बीवी रेशमा मेमून और उसकी साली शबाना मेमून ने भी उनका साथ दिया था। ब्लास्ट से पहले ये दोनों देश से बाहर गए थे और कहा जाता है कि ये दोनों आज भी कराची में आराम की जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, ये थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ फेमस नाम। इन्हीं में से एक गंगूबाई काठियावाड़ी भी थी, जिनकी बायोपिक जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। अब आप हमें कॉमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार।
अपने निभाए गए कैरेक्टर गंगूबाई को लेकर क्यों इमोशनल हुई हैं आलिया भट्ट? क्या डायरेक्टर संजय लीला भंसाली एक बार फिर फंस सकते हैं एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों को, और ऐसी ही सुपर इंटरेस्टिंग खबरों को रोज सुनने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म होने वाली है और बॉलीवुड में इस दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। अजय देवगन भी उनके साथ एक एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगे और ये फिल्म दोस्तों मुंबई की फेमस लेडी गंगूबाई काठियावाड़ी की ही एक बायोपिक रहने वाली है। दोस्तों, यूँ तो कभी न कभी डर के मारे हम सब की नींद उड़ जाती है, लेकिन ऐसा क्या है जिसने उड़ा के रख दी है बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट की नींद? जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आलिया भट्ट आज के दौर में बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है जिसने उनको भी हिलाकर रख दिया है। तो बता दें कि जब से आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग का रैप अप किया है, तभी से उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि आखिर क्या बीती होगी गंगा नाम की उस भोली भाली लड़की के दिल पर, जब उसने अपनी ही आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया पलटते हुए देखी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अपने दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू में आलिया बताती हैं कि वो बचपन से ही बेहद इमोशनल हैं और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग के दौरान वो कई बार रोई थी। गंगूबाई का कैरेक्टर प्ले करते हुए आलिया ने गंगूबाई की पूरी लाइफ को काफी क्लोजली एक्सप्लोर किया है, जिसकी वजह से उनके दिल में गंगूबाई के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है। और दोस्तों, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं गंगू से बेहद प्यार करने लगी हूँ, उसकी जिंदगी बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही और मुझे इस बात के बारे में तब पता चला जब मैंने उनका रोल निभाया था। खैर दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि आखिर क्या है ऐसा जो एक बार फिर बढ़ा सकता है डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मुश्किलों को? दरअसल दोस्तों, बात ये है कि गंगूबाई गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़ा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल नाम है और ऐसे कैरेक्टर्स पर बायोपिक बनाना भी कम जोखिम का काम नहीं है। रिसेंटली ही जब एक मराठी रीजनल ग्रुप ने भंसाली को ये वार्निंग दी थी कि फिल्म में गंगूबाई की लाइफ का कोई भी हिस्सा फिक्शनल नहीं होना चाहिए, तब दोस्तों ये साफ हो गया कि पद्मावती की तरह इस बार भी भंसाली किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। कब और कैसे ये तो अब वक्त ही बताएगा। वहीं दोस्तों, आपका क्या कहना है गंगूबाई की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के इमोशन टर्न आउट के बारे में? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार। कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगू रहती है। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। गंगू जान थी और जान ही रहेगी। आखिर क्या रहा एसआरके का रिएक्शन मूवी गंगूबाई को लेकर? क्या पोस्ट करा अक्षय कुमार ने गंगूबाई के लिए और किसके बारे में करा शाहिद कपूर ने कमेंट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी कोई नई मूवी आती है तो सभी दूसरे सितारे उस मूवी में और उसकी मेकिंग की गपशपों में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। उन्हें भी हमारी ही तरह ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इस मूवी में क्या होने वाला है, जिसके बारे में वो खुलकर अपने ओपिनियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर किसी कॉन्वर्सेशन में बता देते हैं। तो आज हम आपको ऐसे कुछ सितारों का रिएक्शन अपकमिंग बॉलीवुड मूवी गंगूबाई को लेकर बताएंगे। एक क्विक रनडाउन देने के लिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि मूवी गंगूबाई को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली, अंश में स्टार कर रहे हैं आलिया भट्ट, विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पाहवा, अजय देवगन, इमरान हाशमी और काफी दूसरे एक्टर्स। ये मूवी एक बायोपिक होने वाली है, तो इस मूवी के एक फर्स्ट लुक एंड रिलीज डेट आउट होने पर दिया कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पॉजिटिव रिएक्शन। नेहा धूपिया, वरुण धवन, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे कई बड़े स्टार्स ने किया आलिया को कंग्रेचुलेट। साथ ही साथ सभी ने आलिया के एक्टिंग स्किल्स को भी प्रेज करा है और लिखा है कि वो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली कर रही है। शाहरुख खान, जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ फिल्म लव यू जिंदगी में काम किया था, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाला है, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर वर्क एज एन एक्टर लिटिल वन।
ये सीनियर एक्टर उनका अपने जूनियर एक्टर के प्रति एक छोटा सा एनकरेजमेंट है। दोस्तों गंगूबाई को लेकर बाहुबली के मेकर एसएस राजामौली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है कि दोस्तों वो आलिया भट्ट को गंगूबाई के कैरेक्टर में देखकर खुश हैं और उनकी परफॉर्मेंस जरूर ही गजब की होने वाली है। दोस्तों अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जिस दिन गंगूबाई मूवी का टाइटल सुना था उस दिन से ही मूवी के एक फैन बन गए थे। उन्हें तो टीजर भी बहुत ज्यादा पसंद आया है और उसमें आलिया के प्रेजेंस भी। वो संजय लीला भंसाली के इस मास्टरपीस को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। रणवीर सिंह ने भी इस मूवी के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, गंगू तू चांद है, चांद ही रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने इस मूवी के फर्स्ट लुक की तारीफ भी करी है। शाहिद कपूर ने भी कमेंट करके आलिया के लिए बोला, गुंडी तो हमेशा से ही थी, अब डॉन बन गई है, लविंग इट, जो कि काफी क्यूट लगा फैंस को। और दोस्तों बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस मूवी हॉट बॉलीवुड माफिया क्वींस माधुरी किस फिल्म में बनी थी डॉन? क्या आलिया को करनी पड़ी थी बहुत मेहनत? दीपिका कैसे रह गई बनते बनते माफिया? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाय। दोस्तों इन दिनों बॉलीवुड में आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक बन चुका है, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि फिल्म RRR से क्लैश होने वाली है, इसके अलावा एक वजह यह भी है कि आलिया किस तरह का किरदार निभाती नजर आ रही है। जब से फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ है, हर जगह आलिया की तारीफें सुनने को मिली। संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई इस फिल्म में आलिया के रोल और लुक को काफी ज्यादा पसंद किया गया, जिस तरह से उन्होंने एक लेडी डॉन या कह लीजिए माफिया क्वीन की भूमिका निभाई है वो काबिले तारीफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा जब बॉलीवुड की कोई लीडिंग एक्ट्रेस सिल्वर स्क्रीन पर इस तरह का मुश्किल रोल निभा रही है। इससे पहले विद्या बालन, सीमा विश्वास और यहां तक कि दीपिका पादुकोण जैसे एक्ट्रेसेस भी ऐसे खतरनाक रोल्स निभा चुकी है। क्या आप ये भी जानते हैं? तो अगर नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी है वो माफिया कोई जिन्होंने बॉलीवुड को हिला कर रख दिया। चलिए शुरुआत फिर विद्या बालन से कर लेते हैं। विद्या साल 2017 में आई फिल्म बेगम जान में एक कोठे वाली का रोल प्ले करती है। फिल्म पार्टीशन के समय पर बेस्ड थी, जिसमें विद्या एक काफी स्ट्रांग कैरेक्टर में थी। उनका ये वैश्यालय बिल्कुल उस जगह पर था जहां इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लाइन खींची जानी थी, जिसके लिए उसे हटाना था। और क्या आप जानते हैं, विद्या का किरदार खुद सामने आकर उस जलती हुई इमारत में जलती है और अपनी मौत को एक्सेप्ट करती है। विद्या ने जिस तरह ये किरदार निभाया वो काफी काबिले तारीफ था। वहीं बात अगर दीपिका पादुकोण की करें तो विशाल भारद्वाज की एक फिल्म आई थी सपना दीदी, नाम का रोल दीपिका का था। ये किरदार काफी स्ट्रांग था और दीपिका की इमेज बदलने लायक था, हालांकि किन्हीं कारणों से वो फिल्म नहीं बन पाई। फिर श्रद्धा कपूर द्वारा निभाया गया हसीना पारकर का किरदार जो था वो भुलाया नहीं जा सकता। वाकई उस रोल के लिए श्रद्धा ने खुद को काफी ट्रांसफॉर्म किया था। ये फिल्म दाऊद इब्राहिम की बहन पर बनी बायोपिक थी। उनका किरदार इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में काफी स्ट्रांगली सामने आता है, जिसमें हसीना की 17 साल की उम्र से लेकर 43 साल की उम्र तक का सफर दिखाया गया, वेट गेन से लेकर भारी भारी प्रोस्थेटिक्स और फिर श्रद्धा कपूर की मेहनत साफ नजर आती है। अगर कभी माफिया क्वीन या कह लीजिए स्ट्रांग लेडीज की शुरुआत की बात हो जाए तो फूलन देवी का नाम इसमें जरूर आता है। 1994 में आई फिल्म बंटित क्वीन में इनका बहुत ही स्ट्रांग कैरेक्टर था, जिसमें कि वो नजर आई थी और तभी से शुरुआत हो चली थी ऐसे माफिया क्वीन की। बहुत ज्यादा पसंद किया गया और बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस हमें सामने से मिली, जिनकी बहुत ज्यादा इज्जत बढ़ गई। अगर बात गंगूबाई काठियावाड़ी की करें तो इस लिस्ट में शामिल होने वाली सबसे यंगेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है, जिन्होंने बहुत ही अच्छा उम्दा काम किया। महेश भट्ट के परिवार से आने वाली और ब्रिटिश स्कूल में पढ़ने वाली आलिया को इस किरदार के लिए प्रॉपर हिंदी, गुजराती और कुछ मराठी भाषा भी सीखनी पड़ी थी, जिस पर उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत की। आखिरकार उस पर उन्होंने पकड़ बनाई। उसका साफ साफ असर टीजर में देखने को मिला। हालांकि कई जगह आलिया को देखकर काफी फीकरपन भी लगा, क्योंकि लोगों ने कहा कि आलिया तो बच्ची सी लगती है। 6 जनवरी 2022 को पता चलेगा कि आलिया बच्ची सी है या उन्होंने वाकई पर्दा फाड़ के रख देना है। फिल्म में आपको अजय देवगन भी दिखेंगे, शांतनु माहेश्वरी होंगे, सीमा फवा होगी और विजय राज जैसे बड़े बड़े नाम शामिल है। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप सोच रहे हैं कि रिलीज खत्म हो चुकी है, तो बॉलीवुड में आने वाले टाइम में भी ऐसी बहुत सारी माफिया क्वींस की फिल्म आने वाली है।
आपको कितना इंटरेस्ट है इन फिल्मों में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और इसी क्या कभी नहीं थम सकेगा ट्रिपल आर और गंगूबाई का क्लैश? क्या खास है गंगूबाई की रिलीज डेट में? आखिर क्या है इस रिलीज डेट का आलिया से नाता? दोस्तों, फिल्म ट्रेड में इस समय काफी टेंशन का माहौल है, हो भी क्यों ना। इस समय की सबसे बड़ी दो फिल्में ट्रिपल आर और गंगूबाई काठियावाड़ी जो आपस में भिड़ने वाली है। खासियत तो ये है कि दोनों ही फिल्मों में आलिया भट्ट लीड रोल्स में है। एक तरफ ट्रिपल आर में जहां वो साउथ इंडस्ट्री में कदम रखने जा रही है, तो वहीं गंगूबाई में वो अब तक के सबसे अलग रोल में दिखेंगी। संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी 6 जनवरी 2022 को थिएटर में रिलीज होनी है, जबकि एसएस राजामौली की ट्रिपल आर हिंदी, तमिल, तेलुगु जैसी भाषाओं में 7 जनवरी को रिलीज की जाएगी। दोस्तों, पूरे इंडिया भर में राजामौली और संजय भंसाली अपनी एपिक ड्रामा बेस्ड फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ तक कि राजामौली ने तो ये तक भी बताया हुआ है कि वो संजय लीला भंसाली के बड़े फैन है। एक ऐसे समय में जहाँ काफी समय बाद थिएटर खुल रहे हैं और फिल्में धीरे धीरे रिलीज हो रही हैं, ऐसे में इतना बड़ा क्लैश लोगों के मन में उतर नहीं रहा। फिर बड़ी बात ये भी है कि दोनों फिल्मों में आलिया भट्ट और अजय देवगन जैसे बड़े स्टार्स हैं। इस होने वाले क्लैश के बारे में भंसाली ने कहा था कि हमने अपनी मूवी की रिलीज डेट काफी समय पहले ही अनाउंस कर दी थी, जबकि राजामौली का मानना है कि दोनों ही फिल्में काफी अलग है और एक साथ अलग अलग हफ्तों में रिलीज की जा सकती है। दोस्तों, इस बात से कोई शक नहीं है कि इस कोविड वाले समय में जब फिल्में बनाना तक बंद हो गई थी, अब जाकर फिल्में रिलीज हो रही है, जिससे ट्रेड बिजनेस को काफी फायदा होगा। लेकिन 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 आपको बता दें कि संजय लीला भंसाली के लिए अपनी मूवी को आगे खिसकाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मूवी 6 जनवरी को रिलीज हो रही है, जो भंसाली का लकी नंबर भी है। जी हाँ, भंसाली ही नहीं बल्कि आलिया भट्ट भी 6 को अपना लकी नंबर मानती है। भंसाली का बर्थडे 24 फरवरी को आता है, जिसे जोड़कर 6 बनता है। ऐसे ही आलिया का जन्मदिन 15 मार्च को आता है, यानी कि एक बार फिर 6, जिसका मतलब है कि भंसाली तो किसी भी हालात में अपनी डेट को आगे नहीं खिसकाएंगे। जबकि राजामौली के लिए भी अभी टाइम है कि वो इस जिद को छोड़कर अपनी मूवी को पोस्टपोन कर दे, क्योंकि उनके पास बहुत टाइम है मूवी को रिलीज करने के लिए। इसके अलावा उन्हें मूवी को लेकर बहुत टाइम भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो सोलो रिलीज भी इंजॉय कर सकते हैं, जबकि क्लैश में तो उनके नुकसान होने के ज्यादा चांसेस है। अब भाई भंसाली की फिल्मों को लेकर जो क्रेज नॉर्थ इंडिया में होता है, वैसा शायद ही किसी और मूवी मेकर के लिए किसी और इंडस्ट्री में होगा। बता दें कि गंगूबाई काठियावाड़ी एक रियल लाइफ स्टोरी पर बनी कहानी है, जिसमें कुछ फिक्शनल एलिमेंट्स भी डाले गए हैं। मूवी में आलिया लीड रोल में है, जो मुंबई के एक वैश्य समाज की लीडर है, और मूवी में उनकी कहानी देखने मिलेगी। क्या आप जानते हैं कि आलिया ने उस तरह की बोली पर पकड़ पाने के लिए काफी पावर विलेन है, क्योंकि उनका एक्सेंट काफी अलग है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। हालांकि उनकी मेहनत रंग लाई और जो साफ साफ टीजर में भी देखा जा सकता है। ठीक है, साउथ की अपनी पहली मूवी से लेकर हॉलीवुड डेब्यू तक वो हर तरह से चर्चा में है, और फिर उनके और रणबीर कपूर के रिश्ते का क्या कहना, और कौन ही भूल सकता है इनके रिश्ते को। खैर, आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड तक ही ठहरते हैं और बात करते हैं उनकी अपकमिंग मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित और आलिया भट्ट के लीड रोल वाली इस मूवी का पहला टीजर 24 फरवरी को रिलीज किया गया था। जी हाँ, आज से 9 महीने पहले टीजर लॉन्च के बाद ही मूवी लगातार चर्चा में बनी हुई है। टीजर देखने के बाद लोगों का सवाल था कि आखिर आलिया भट्ट ही क्यों? संजय की ये मूवी हुसैन जैदी द्वारा लिखी गई एक बुक क्वींस ऑफ मुंबई स्टोरीज ऑफ वुमेन फ्रॉम द गैंगलैंड चैप्टर गंगूबाई कोठेवाली से काफी हद तक इंस्पायर्ड है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि आखिर ये गंगूबाई है कौन? अगर हुसैन की इस बुक के अकॉर्डिंग जाया जाए तो गंगूबाई गुजरात के काठियावाड़ की रहने वाली है। जी हाँ, इसी वजह से उन्हें गंगूबाई काठियावाड़ी कहा जाता है, जबकि उनके असली नाम गंगा हरि जी बनकर काठियावाड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि गंगूबाई 16 साल की उम्र में अपने पिता के अकाउंटेंट के साथ भागकर वो दोनों मुंबई आए थे। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब उनके पति ने उन्हें वैश्य वृत्ति करने जी की कोठे पर 500 रुपए में बेच दिया था। बस फिर क्या था, आगे वाले समय में वो
रक्षा बंधन की, तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए हमारी आने वाली वीडियो। खैर आपको बता दें कि गंगूबाई की यही कहानी मूवी में दिखाई जाएगी, जिसके लिए आलिया ने काफी मेहनत की है। हालांकि उनकी ये मेहनत क्या रंग लाएगी, ये भी हम आपको जरूर बताएंगे। गुजरात के बैकड्रॉप पर बनी इस मूवी की पूरी शूटिंग मुंबई में ही बड़े बड़े सेट पर बनाई गई है। हालांकि इस बात में तो कोई शक है ही नहीं कि संजय अपनी फिल्मों के सेट पर उन्हें ग्रैंड बनाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। क्या गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया नहीं करने वाली डांस सीमा पहुआ ने क्यों बदला ट्रैक और हर एक्टर को क्यों मिलना चाहिए भंसाली का साथ? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोस, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अगली फिल्म होने वाली है गंगूबाई काठियावाड़ी। इस फिल्म को लेकर हर दूसरे दिन कोई ना कोई खबर सामने आती रहती है, कोई ना कोई टैलेंटेड एक्टर इससे जुड़ता ही रहता है। और आखिर ऐसा क्यों हो भी ना, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है और भंसाली का ड्रीम प्रोजेक्ट भी इसे कहा जा सकता है। आपको बताते हैं, दम लगा के हाइशा, बरेली की बर्फी, शुभ मंगल, सावधान और सूरज पे मंगल भारी फिल्मों में एक्टिंग करने वाली टैलेंटेड एक्ट्रेस सीमा पहुआ ने ट्रैक बदल दिया है। कैसी, चलिए आपको बताते हैं। संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी में सीमा ने एक ऐसी भूमिका चुनी है जो उन्होंने अब से पहले कभी करी ही नहीं है। साल 1984 में आई दूरदर्शन सीरीज हम लोग में पहली बार नेशनल पॉपुलैरिटी उन्होंने हासिल की थी। इतने ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है फिल्म में अपने कैरेक्टर को रिवील ना करते हुए उन्होंने अपनी खुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि भंसाली ने इस रोल के लिए उनके बारे में सोचा, क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया जिस तरह के कैरेक्टर उन्होंने गंगूबाई काठियावाड़ी में निभाया, ना ही ऐसे रोल के प्रति उनका कभी झुकाव रहा। इस स्पेशल रोल में केवल भंसाली जैसे विजनरी ही उनके बारे में सोच सकते हैं। सीमा जी का भंसाली की फिल्मों के बारे में कहना है कि हर एक्टर जो एक्टिंग को इम्पोर्टेंस देता है, उन्हें कम से कम एक बार संजय लीला भंसाली के साथ काम करना चाहिए। उनका विजुअल रिप्रेजेंटेशन सेंस किसी भी डायरेक्टर से किए गए काम से ज्यादा मंझा हुआ है। डायरेक्टर के रूप में उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वो एक परफेक्शनिस्ट है। वो हर एक्टर और टेक्नीशियन में सबसे बेस्ट ढूंढ ही लेते हैं। जब भंसाली ने उन्हें ये रोल ऑफर किया था तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी, लेकिन उन्हें तब ये अंदाजा नहीं था कि एक्सपीरियंस कितना फायदेमंद होने वाला है। अब जबकि उन्होंने उनके साथ एक बार काम कर लिया है, तो वो उनके साथ दोबारा काम करने के लिए और ज्यादा इंतजार कर रही है और उन्हें उम्मीद है कि भंसाली उन्हें दूसरी फिल्म में जरूर कास्ट करेंगे। वहीं फिल्म के बारे में बात करते हुए आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की एक झलक और टीजर आने के बाद फैंस इसे लेकर काफी ज्यादा उत्सुक हैं और आलिया ने अपने अभी सीन की शूटिंग लगभग खत्म कर ली है। इस बीच एक बड़ा अपडेट भंसाली के प्रोजेक्ट को लेकर सामने आया है कि आलिया इस फिल्म में किसी भी तरह का डांस नंबर नहीं करने वाली है। इस फिल्म में सिर्फ एक डांस नंबर होगा जिसमें हुमा कुरैशी नजर आएगी। बाकी के सभी गाने म्यूजिक के रूप में फिल्म में अलग अलग सिचुएशन में बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह आपको सुनाई देंगे। आलिया के डांस न करने के पीछे वजह ये है कि एक्ट्रेस का किरदार कुछ ऐसा है कि उस पर डांस करना सूट नहीं करता, इसीलिए निर्माताओं और निर्देशकों ने ये फैसला लिया। अब देखना होगा कि आलिया भट्ट इस फिल्म से कितना बड़ा तहलका मचाएंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल। फिल्म चलाने के लिए भंसाली ने चली कौन सी चाल? फिल्म में किसकी हुई न्यू एंट्री? क्या फिल्म में होगी दो एक्ट्रेसेस? स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपरहिट एंड सुपर क्यूट हीरोइन आलिया भट्ट के आने वाले बिग बजट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अगली रिलीज होने वाली फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। इसकी शूटिंग काफी समय से चल रही है। फिल्म को लेकर संजय लीला भंसाली ने काफी कुछ पिछले साल ही शुरू कर दिया था। उनकी इस फिल्म को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अब हुमा कुरैशी भी नजर आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको ये गर्मा गर्म एंट्री का राज। दोस्तों, वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में हर कलाकार की इच्छा होती है कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करे, फिर चाहे रोल कैसा भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हुमा कुरैशी के साथ भी हुआ।
जब हुमा कुरैशी को संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी में एक स्पेशल सॉन्ग और डांस नंबर के लिए कहा तो उन्होंने इसे करने के लिए तुरंत ही हामी भर दी। भंसाली अपनी फिल्मों की हर एक चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसलिए वो ऐसे डांसर चाहते थे जो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से ही गाने में जान डाल दे। ऐसे में उनको हुमा कुरैशी का नाम सूझा। वही हुमा के लिए ये बड़ा ब्रेक साबित होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह फिल्म रामलीला में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एक लोकप्रिय डांस नंबर किया था। जी हाँ, वही गाना, राम चाहे लीला चाहे, लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में तुम्हें। बस बस, इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकती। आई एम 100% श्योर कि आप सभी ने ये गाना सुना भी है और देखा भी है। हालांकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण थी, पर इस गाने के बाद दोनों ही एक्ट्रेसेस को फिल्म के हिट होने का क्रेडिट दिया गया था। प्रियंका का ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। उस वक्त प्रियंका का करियर ग्राफ थोड़ा थन चल रहा था, मगर इस गाने के रिलीज के बाद उनके करियर को एक अलग ही ऊंचाई मिल गई। हो सकता है ये ब्रेक हुमा के करियर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आप हुमा के फैन हैं तो इस बारे में आपका क्या कहना है? या दोस्तों, आपको बता दें कि हुमा फिल्म में मुजरा नहीं कर रही, ये एक भड़कीला आइटम नंबर है। वैसे तो बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन इंडस्ट्री, सभी में आइटम नंबर्स का बोलबाला रहता ही है। फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे चलाने के लिए फिल्म मेकर्स हर फिल्म में आइटम नंबर्स को रखते ही है, और इस यूएसपी को भंसाली अपने हर फिल्म में डालने की कोशिश करते हैं। पहले के समय में आइटम नंबर्स करने के लिए खास तौर पर एक्ट्रेस या मॉडल्स अलग से होती थी, जो केवल फिल्मों में आइटम गाने को परफॉर्म करने के लिए ही होती थी। लेकिन इस चलन को बॉलीवुड की ही टॉप एक्ट्रेस ने तोड़ा है। बॉलीवुड के कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने फिल्मों में आइटम नंबर्स परफॉर्म किए हैं, और अब भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के जरिए हुमा का भी नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वही एक्ट्रेस हुमा कुरैशी उन एक्ट्रेसेस में शुमार है जिन्होंने अपने करियर में तमाम फिल्में और वेब सीरीज से खूब नाम कमाया है। दर्शकों को हुमा की एक्टिंग और उनका ग्लैमरस अंदाज हर बार काफी पसंद आता है। हुमा ने अपनी फिल्मों में ना केवल जबरदस्त एक्टिंग बल्कि ढेरों डांस भी किए हैं। उनकी फिल्मों के कई गाने ऐसे हैं जो आज भी खूब सुने जाते हैं। हुमा कुरैशी के शानदार परफॉर्मेंस के वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसमें उनका बोल्ड लुक देखने को मिलता है और ऑडियंस उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। इसीलिए तो भंसाली ने हुमा को ये ऑफर देने का सोचा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले इस आइटम सॉन्ग में उनका शानदार परफॉर्मेंस और ग्लैमर अंदाज हमें देखने को मिलेगा। वैसे तो हुमा की डांसिंग स्किल्स स्क्रीन पर हंगामा क्रिएट करने के लिए कुछ खास नहीं जानी जाती है, लेकिन जब कमान भंसाली के पास में हो तो भाई सब कुछ मुमकिन है। अगर हम फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी मुंबई की लेडी माफिया डॉन गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी पर आधारित है, जिस किरदार को फिल्म में आलिया ने निभाया है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन का कैमियो भी नजर आएगा, वो फिल्म में आलिया के मेंटर का रोल निभाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं संजय लीला भंसाली की आने वाली मास्टरपीस गंगूबाई काठियावाड़ी में बॉलीवुड की सुपर क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और सुपर ग्लैमरस एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के आइटम नंबर के लिए? ये आप हमें नीचे से कमेंट बॉक्स से उसमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। इस फिल्म के मेन रोल में हमें कौन नजर आने वाला है? ये फिल्म किसकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? ये फिल्म ऑडियंस तक कब तक पहुंच पाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके चर्चे उसके रिलीज से पहले ही काफी हो रहे हैं, और दोस्तों ऑडियंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज हम बात करेंगे एक बायोग्राफिकल फिल्म की। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड और जयंती लालगड़ा और संजय लीला भंसाली द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। तो दोस्तों फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल क्राइम डेटा फिल्म है, जिसमें हमें मेन लीड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट एज अ गंगूबाई काठियावाड़ी नजर आई थी।
इस फिल्म से पहली बार बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं टेलीविजन के मशहूर स्टार शांतनु महेश्वरी, जिन्होंने लोगों को कई शोज जैसे दिल दोस्ती डांस और ये है आशिकी जैसी मूवीज से सबका दिल जीता। वो यहाँ हमें गंगूबाई के हस्बैंड रामनिक लाल के रोल में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है ऑन द बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, जिसके ऑथर हैं एस हुसैन जैदी। जहां ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल लड़की से जो काठियावाड़ से बिलोंग करती है और जहां उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो पूरी जिंदगी में चल रहे सारे उतार चढ़ाव को अपना ले। ये एक ऐसी स्टोरी आया जहां गंगा के लाचार होने से तो शुरू होती है मगर एंड होती है जहां वो पूरी कमाठीपुरा यानी उस रेड लाइट एरिया को कैप्चर करते हुए वहां की रानी बन जाती है। दोस्तों, हालांकि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 30 जुलाई 2021 को, लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग को ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मार्च 2020 में रोक दिया गया था और तब तक फिल्म की 70% शूटिंग ही कम्प्लीट हो सकी थी। फिर जब कोविड सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ तो इस फिल्म को रिज्यूम किया गया ऑन अक्टूबर 2020। एंड रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों एक्टर अजय देवगन जो कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं, उन्होंने फरवरी 2021 में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की है। इतना ही नहीं, इस फिल्म की बेसब्री से इंतजार कर रही ऑडियंस इस फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट का बायोपिक एक्टिंग देखने को एक्साइटेड है। अब उम्मीद है कि ये मूवी जल्द से जल्द आए और सभी को एंटरटेन करे। जानिए कैसा था मुंबई अंडरवर्ल्ड के इन माफिया क्वींस का राज, गंगूबाई के साथ अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी आखिर क्या थी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बात करते हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी एक रियल लाइफ बेस्ड बायोपिक होने वाली है और आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली कुछ डेयरिंग क्वींस के बारे में, जिनकी रियल लाइफ स्टोरी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उस टाइम के फेमस क्राइम रिपोर्टर और राइटर हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड में उन सभी क्वींस का जिक्र है जिन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी थी। इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी हुसैन जैदी की इस किताब से ही इंस्पायर्ड है। जुर्म की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने वाली ही कुछ ऐसी ही माफिया क्वींस के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहला है जैनबाई दारूवाला। जैनब अका जैनबाई दारूवाला देश की सबसे पहली लेडी डॉन मानी जाती थी और दोस्तों मुंबई के डोंगरी इलाके में दारू का धंधा करने वाली इस माफिया क्वीन के एक एक शब्द हाजी मस्तान और दाऊद जैसे गैंगस्टर्स के लिए भी पत्थर की लकीर हुआ करते थे। दोस्तों, जैनबाई ने शराब के धंधे से लेकर चावल की ब्लैक मार्केटिंग तक का काम किया है। उम्र के अंतिम पड़ाव में जैनबाई के बेटे का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद उसने अपने सभी धंधे बंद कर दिए। दोस्तों, जैनबाई को जानने वाले बताते हैं कि 1993 में मुंबई में हुए धमाकों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई और वह बीमार रहने लगी। धमाकों के कुछ साल बाद ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। दोस्तों, दूसरी हैं करीमा मुजीब शाह। दोस्तों, मुंबई अंडरवर्ल्ड में करीमा मुजीब शाह को आपा के नाम से बुलाया जाता है। आपा का सिक्का यानी कि दबदबा आज भी मुंबई के घाटक कोपर इलाके में चलता है। करीमा इल्लीगली झुग्गी बनाने का काम करते करते महज 6 साल में माफिया क्वीन बन गई थी और उनके गैंग में 50 मेंबर थे। पांचवी पास करीमा का पति स्क्रैप डीलर था और उसने खुद करियर की शुरुआत इल्लीगल तरीके से झुग्गियां बनाकर कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों, इसके बाद से इसका इन्फ्लुएंस और दुश्मन दोनों बढ़ने लगे और दोस्तों प्रोडक्शन के लिए उसने अपने पास रैकेट में पहले मेंबर सबाबू पानीकर को शामिल किया। दोस्तों, ताजुब की बात है कि इसके कुछ ही दिन पहले पुलिस ने करीमा को अरेस्ट किया था। दोस्तों, तीसरी है रेशमा मेमन और शबाना मेमन। दोस्तों, 90s के मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे फेमस नामों की लिस्ट में रेशमा और शबाना मेमन का नाम भी शुमार है। ये दोनों दौर की सबसे खतरनाक माफिया क्वींस मानी जाती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1993 के मुंबई ब्लास्ट में सिर्फ दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का हाथ नहीं था, माना जाता है कि पूरी देश को दहला देने वाले इस कांड में टाइगर की बीवी रेशमा मेमून और उसकी साली शबाना मेमून ने भी उनका साथ दिया था। ब्लास्ट से पहले ये दोनों देश से बाहर गए थे और कहा जाता है कि ये दोनों आज भी कराची में आराम की जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, ये थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ फेमस नाम। इन्हीं में से एक गंगूबाई काठियावाड़ी भी थी, जिनकी बायोपिक जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार।
अपने निभाए गए कैरेक्टर गंगूबाई को लेकर क्यों इमोशनल हुई हैं आलिया भट्ट? क्या डायरेक्टर संजय लीला भंसाली एक बार फिर फंस सकते हैं एक बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों को, और ऐसी ही सुपर इंटरेस्टिंग खबरों को रोज सुनने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म होने वाली है और बॉलीवुड में इस दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। अजय देवगन भी उनके साथ एक एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगे। और ये फिल्म दोस्तों मुंबई की फेमस लेडी गंगूबाई काठियावाड़ी की ही एक बायोपिक रहने वाली है। दोस्तों, यूँ तो कभी न कभी डर के मारे हम सब की नींद उड़ जाती है, लेकिन ऐसा क्या है जिसने उड़ा के रख दी है बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट की नींद? जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आलिया भट्ट आज के दौर में बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है जिसने उनको भी हिलाकर रख दिया है। तो बता दें कि जब से आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग का रैप अप किया है, तभी से उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि आखिर क्या बीती होगी गंगा नाम की उस भोली भाली लड़की के दिल पर, जब उसने अपनी ही आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया पलटते हुए देखी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अपने दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू में आलिया बताती हैं कि वो बचपन से ही बेहद इमोशनल हैं और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग के दौरान वो कई बार रोई थी। गंगूबाई का कैरेक्टर प्ले करते हुए आलिया ने गंगूबाई की पूरी लाइफ को काफी क्लोजली एक्सप्लोर किया है, जिसकी वजह से उनके दिल में गंगूबाई के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है। और दोस्तों, उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं गंगू से बेहद प्यार करने लगी हूँ, उसकी जिंदगी बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही और मुझे इस बात के बारे में तब पता चला जब मैंने उनका रोल निभाया था। खैर दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि आखिर क्या है ऐसा जो एक बार फिर बढ़ा सकता है डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मुश्किलों को? दरअसल दोस्तों, बात ये है कि गंगूबाई गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़ा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल नाम है और ऐसे कैरेक्टर्स पर बायोपिक बनाना भी कम जोखिम का काम नहीं है। रिसेंटली ही जब एक मराठी रीजनल ग्रुप ने भंसाली को ये वार्निंग दी थी कि फिल्म में गंगूबाई की लाइफ का कोई भी हिस्सा फिक्शनल नहीं होना चाहिए, तब दोस्तों ये साफ हो गया कि पद्मावती की तरह इस बार भी भंसाली किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। कब और कैसे ये तो अब वक्त ही बताएगा। वही दोस्तों, आपका क्या कहना है गंगूबाई की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के इमोशन टर्न आउट के बारे में? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार। कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगू रहती है। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। गंगू जान थी और जान ही रहेगी। आखिर क्या रहा एसआरके का रिएक्शन मूवी गंगूबाई को लेकर? क्या पोस्ट करा अक्षय कुमार ने गंगूबाई के लिए और किसके बारे में करा शाहिद कपूर ने कमेंट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी कोई नई मूवी आती है तो सभी दूसरे सितारे उस मूवी में और उसकी मेकिंग की गपशपों में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। उन्हें भी हमारी ही तरह ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इस मूवी में क्या होने वाला है, जिसके बारे में वो खुलकर अपने ओपिनियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर किसी कॉन्वर्सेशन में बता देते हैं। तो आज हम आपको ऐसे कुछ सितारों का रिएक्शन अपकमिंग बॉलीवुड मूवी गंगूबाई को लेकर बताएंगे। एक क्विक रनडाउन देने के लिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि मूवी गंगूबाई को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली, अंश में स्टार कर रहे हैं आलिया भट्ट, विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पाहवा, अजय देवगन, इमरान हाशमी और काफी दूसरे एक्टर्स। ये मूवी एक बायोपिक होने वाली है, तो इस मूवी के एक फर्स्ट लुक एंड रिलीज डेट आउट होने पर दिया कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पॉजिटिव रिएक्शन। नेहा धूपिया, वरुण धवन, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे कई बड़े स्टार्स ने किया आलिया को कंग्रेचुलेट। साथ ही साथ सभी ने आलिया के एक्टिंग स्किल्स को भी प्रेज करा है और लिखा है कि वो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली कर रही है। शाहरुख खान, जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ फिल्म लव यू जिंदगी में काम किया था, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाला है, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर वर्क एज एन एक्टर लिटिल वन।
ये एज सीनियर एक्टर उनका अपने जूनियर एक्टर के प्रति एक छोटा सा एनकरेजमेंट है। दोस्तों गंगूबाई को लेकर बाहुबली के मेकर एसएस राजामौली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है कि दोस्तों वो आलिया भट्ट को गंगूबाई के कैरेक्टर में देखकर खुश हैं और उनकी परफॉर्मेंस जरूर ही गजब की होने वाली है। दोस्तों अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जिस दिन गंगूबाई मूवी का टाइटल सुना था उस दिन से ही मूवी के एक फैन बन गए थे। उन्हें तो टीजर भी बहुत ज्यादा पसंद आया है और उसमें आलिया के प्रेजेंस भी। वो संजय लीला भंसाली के इस मास्टरपीस को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। रणवीर सिंह ने भी इस मूवी के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, गंगू तू चांद है, चांद ही रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने इस मूवी के फर्स्ट लुक की तारीफ भी करी है। शाहिद कपूर ने भी कमेंट करके आलिया के लिए बोला, गुंडी तो हमेशा से ही थी, अब डॉन बन गई है, लविंग इट, जो कि काफी क्यूट लगा फैंस को। और दोस्तों बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस मूवी को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया एंड वो इसे देखने के लिए काफी बिल्कुल रेडी भी लग रहे हैं। फिल्म की रिलीज तो प्रोसेस में है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के सुपर हिट एंड सुपर क्यूट हीरोइन आलिया भट्ट के आने वाले बिग बजट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अगली रिलीज होने वाली फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। इसकी शूटिंग काफी समय से चल रही है। फिल्म को लेकर संजय लीला भंसाली ने काफी कुछ पिछले साल ही शुरू कर दिया था। उनकी इस फिल्म को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अब हुमा कुरैशी भी नजर आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको ये गर्मा गर्म एंट्री का राज। दोस्तों वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में हर कलाकार की इच्छा होती है कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करे, फिर चाहे रोल कैसा भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हुमा कुरैशी के साथ भी हुआ। जब हुमा कुरैशी को संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी में एक स्पेशल सॉन्ग और डांस नंबर के लिए कहा तो उन्होंने इसे करने के लिए तुरंत ही हामी भर दी। भंसाली अपनी फिल्मों की हर एक चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसलिए वो ऐसे डांसर चाहते थे जो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से ही गाने में जान डाल दे। ऐसे में उनको हुमा कुरैशी का नाम सूझा। वही हुमा के लिए ये एक बड़ा ब्रेक साबित होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह फिल्म रामलीला में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एक लोकप्रिय डांस नंबर किया था। जी हाँ, वही गाना, राम चाहे लीला चाहे, लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में तुम्हें। बस बस, इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकती। आई एम 100% श्योर कि आप सभी ने ये गाना सुना भी है और देखा भी है। हालांकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण थी, पर इस गाने के बाद दोनों ही एक्ट्रेसेस को फिल्म के हिट होने का क्रेडिट दिया गया था। प्रियंका का ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। उस वक्त प्रियंका का करियर ग्राफ थोड़ा थन चल रहा था, मगर इस गाने के रिलीज के बाद उनके करियर को एक अलग ही ऊंचाई मिल गई। हो सकता है ये ब्रेक हुमा के करियर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आप हुमा के फैन हैं तो इस बारे में आपका क्या कहना है? या दोस्तों आपको बता दें कि हुमा फिल्म में मुजरा नहीं कर रही, ये एक भड़कीला आइटम नंबर है। वैसे तो बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन इंडस्ट्री, सभी में आइटम नंबर्स का बोलबाला रहता ही है। फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे चलाने के लिए फिल्म मेकर्स हर फिल्म में आइटम नंबर्स को रखते ही है और इस यूएसपी को भंसाली अपने हर फिल्म में डालने की कोशिश करते हैं। पहले के समय में आइटम नंबर्स करने के लिए खास तौर पर एक्ट्रेस या मॉडल्स अलग से होती थी, जो केवल फिल्मों में आइटम गाने को परफॉर्म करने के लिए ही होती थी। लेकिन इस चलन को बॉलीवुड की ही टॉप एक्ट्रेस ने तोड़ा है। बॉलीवुड के कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने फिल्मों में आइटम नंबर्स परफॉर्म किए हैं और अब भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के जरिए हुमा का भी नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वही एक्ट्रेस हुमा कुरैशी उन एक्ट्रेसेस में शुमार है जिन्होंने अपने करियर में तमाम फिल्में और वेब सीरीज से खूब नाम कमाया है। दर्शकों को हुमा की एक्टिंग और उनका ग्लैमरस अंदाज हर बार काफी पसंद आता है। हुमा ने अपनी फिल्मों में ना केवल जबरदस्त एक्टिंग बल्कि ढेरों डांस भी किए हैं। उनकी फिल्मों के कई गाने ऐसे हैं जो आज भी खूब सुने जाते हैं। हुमा कुरैशी के शानदार परफॉर्मेंस के वीडियोज यूट्यूब पर मौजूद है जिसमें उनका बोल्ड लुक देखने को मिलता है और ऑडियंस उन्हें काफी पसंद भी करते हैं, इसीलिए तो भंसाली ने हुमा को ये ऑफर देने का सोचा।
ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले इस आइटम सॉन्ग में उनका शानदार परफॉर्मेंस और ग्लैमर अंदाज हमें देखने को मिलेगा। वैसे तो हुमा की डांसिंग स्किल्स स्क्रीन पर हंगामा क्रिएट करने के लिए कुछ खास नहीं जानी जाती है, लेकिन जब कमान भंसाली के पास में हो तो भाई सब कुछ मुमकिन है। अगर हम फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी मुंबई की लेडी माफिया डॉन गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी पर आधारित है, जिस किरदार को फिल्म में आलिया ने निभाया है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन का कैमियो भी नजर आएगा, वो फिल्म में आलिया के मेंटर का रोल निभाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं संजय लीला भंसाली की आने वाली मास्टरपीस गंगूबाई काठियावाड़ी में बॉलीवुड की सुपर क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और सुपर ग्लैमरस एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के आइटम नंबर के लिए? ये आप हमें नीचे से कमेंट बॉक्स से उसमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। इस फिल्म के मेन रोल में हमें कौन नजर आने वाला है? ये फिल्म किसकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? ये फिल्म ऑडियंस तक कब तक पहुंच पाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके चर्चे उसकी रिलीज से पहले ही काफी हो रहे हैं, और दोस्तों ऑडियंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज हम बात करेंगे एक बायोग्राफिकल फिल्म की। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड और जयंती लालगड़ा और संजय लीला भंसाली द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। तो दोस्तों फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल क्राइम डेटा फिल्म है, जिसमें हमें मेन लीड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट एज अ गंगूबाई काठियावाड़ी नजर आई थी। इस फिल्म से पहली बार बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं टेलीविजन के मशहूर स्टार शांतनु महेश्वरी, जिन्होंने लोगों को कई शोज जैसे दिल दोस्ती डांस और ये है आशिकी जैसी मूवीज से सबका दिल जीता। वो यहाँ हमें गंगूबाई के हस्बैंड रामनिक लाल के रोल में नजर आने वाले हैं। दोस्तों ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है ऑन द बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, जिसके ऑथर हैं एस हुसैन जैदी। जहां ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल लड़की से जो काठियावाड़ से बिलोंग करती है और जहां उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो पूरी जिंदगी में चल रहे सारे उतार चढ़ाव को अपना ले। ये एक ऐसी स्टोरी आया जहां गंगा के लाचार होने से तो शुरू होती है मगर एंड होती है जहां वो पूरी कमाठीपुरा यानी उस रेड लाइट एरिया को कैप्चर करते हुए वहां की रानी बन जाती है। दोस्तों हालांकि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 30 जुलाई 2021 को, लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग को ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मार्च 2020 में रोक दिया गया था और तब तक फिल्म की 70% शूटिंग ही कम्प्लीट हो सकी थी। फिर जब कोविड सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ तो इस फिल्म को रिज्यूम किया गया ऑन अक्टूबर 2020 एंड रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों एक्टर अजय देवगन जो कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं, उन्होंने फरवरी 2021 में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की है। इतना ही नहीं, इस फिल्म की बेसब्री से इंतजार कर रही ऑडियंस इस फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट का बायोपिक एक्टिंग देखने को एक्साइटेड है। अब उम्मीद है कि ये मूवी जल्द से जल्द आए और सभी को एंटरटेन करे। जानिए कैसा था मुंबई अंडरवर्ल्ड के इन माफिया क्वींस का राज, गंगूबाई के साथ अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी आखिर क्या थी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों बात करते हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी एक रियल लाइफ बेस्ड बायोपिक होने वाली है और आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली कुछ डेयरिंग क्वींस के बारे में, जिनकी रियल लाइफ स्टोरी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उस टाइम के फेमस क्राइम रिपोर्टर और राइटर हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड में उन सभी क्वींस का जिक्र है जिन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी थी। इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी हुसैन जैदी की इस किताब से ही इंस्पायर्ड है। जुर्म की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने वाली ही कुछ ऐसी ही माफिया क्वींस के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहला है जैनबाई दारूवाला। जैनब अका जैनबाई दारूवाला देश की सबसे पहली लेडी डॉन मानी जाती थी और दोस्तों मुंबई के डोंगरी इलाके में दारू का धंधा करने वाली इस माफिया क्वीन के एक एक शब्द हाजी मस्तान और दाऊद जैसे गैंगस्टर्स के लिए भी पत्थर की लकीर हुआ करते थे। दोस्तों जैनबाई ने शराब के धंधे से लेकर चावल की ब्लैक मार्केटिंग तक का काम किया है। उम्र के अंतिम पड़ाव में जैनबाई के बेटे का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद उसने अपने सभी धंधे बंद कर दिए।
दोस्तों जयरा भाई को जानने वाले बताते हैं कि 1993 में मुंबई में हुए धमाकों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई और वह बीमार रहने लगी। धमाकों के कुछ साल बाद ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। दोस्तों दूसरी है करीमा मुजीब शाह। दोस्तों मुंबई अंडरवर्ल्ड में करीमा मुजीब शाह को आपा के नाम से बुलाया जाता है। आपा का सिक्का यानी कि दबदबा आज भी मुंबई के घाटकोपर इलाके में चलता है। करीमा इल्लीगली झुग्गी बनाने का काम करते करते महज 6 साल में माफिया क्वीन बन गई थी और उनके गैंग में 50 मेंबर थे। पांचवी पास करीमा का पति स्क्रैप डीलर था और उसने खुद करियर की शुरुआत इल्लीगल तरीके से झुग्गिया बनाकर कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद से इसका इन्फ्लुएंस और दुश्मन दोनों बढ़ने लगे और दोस्तों प्रोडक्शन के लिए उसने अपने पास रैकेट में पहले मेंबर सबाबू पानीकर को शामिल किया। दोस्तों ताजुब की बात है कि इसके कुछ ही दिन पहले पुलिस ने करीमा को अरेस्ट किया था। दोस्तों तीसरी है रेशमा मेमन और शबाना मेमन। दोस्तों 90s के मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे फेमस नामों की लिस्ट में रेशमा और शबाना मेमन का नाम भी शुमार है। ये दोनों दौर की सबसे खतरनाक माफिया क्वींस मानी जाती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों 1993 के मुंबई ब्लास्ट में सिर्फ दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का हाथ नहीं था। माना जाता है कि पूरी देश को दहला देने वाले इस कांड में टाइगर की बीवी रेशमा मेमन और उसकी साली शबाना मेमन ने भी उनका साथ दिया था। ब्लास्ट से पहले ये दोनों देश से बाहर गए थे और कहा जाता है कि ये दोनों आज भी कराची में आराम की जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों ये थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ फेमस नाम। इन्हीं में से एक गंगूबाई काठियावाड़ी भी थी जिनकी बायोपिक जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार। कैरेक्टर गंगूबाई को लेकर क्यों इमोशनल हुई है आलिया भट्ट? क्या डायरेक्टर संजय लीला भंसाली एक बार फिर फंस सकते हैं एक बड़ी कंट्रोवर्सी में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों को, और ऐसी ही सुपर इंटरेस्टिंग खबरों को रोज सुनने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म होने वाली है और बॉलीवुड में इस दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। अजय देवगन भी उनके साथ एक एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगे। और ये फिल्म दोस्तों मुंबई की फेमस लेडी गंगूबाई काठियावाड़ी की ही एक बायोपिक रहने वाली है। दोस्तों यूँ तो कभी न कभी डर के मारे हम सब की नींद उड़ जाती है, लेकिन ऐसा क्या है जिसने उड़ा के रख दी है बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट की नींद? जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आलिया भट्ट आज के दौर में बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है जिसने उनको भी हिलाकर रख दिया है। तो बता दें कि जब से आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग का रैप अप किया है, तभी से उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि आखिर क्या बीती होगी गंगा नाम की उस भोली भाली लड़की के दिल पर, जब उसने अपनी ही आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया पलटते हुए देखी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अपने दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू में आलिया बताती हैं कि वो बचपन से ही बेहद इमोशनल है और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग के दौरान वो कई बार रोई थी। गंगूबाई का कैरेक्टर प्ले करते हुए आलिया ने गंगूबाई की पूरी लाइफ को काफी क्लोजली एक्सप्लोर किया है, जिसकी वजह से उनके दिल में गंगूबाई के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है। और दोस्तों उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं गंगू से बेहद प्यार करने लगी हूँ, उसकी जिंदगी बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही और मुझे इस बात के बारे में तब पता चला जब मैंने उनका रोल निभाया था। खैर दोस्तों अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि आखिर क्या है ऐसा जो एक बार फिर बढ़ा सकता है डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मुश्किलों को। दरअसल दोस्तों बात ये है कि गंगूबाई गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़ा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल नाम है और ऐसे कैरेक्टर्स पर बायोपिक बनाना भी कम जोखिम का काम नहीं है। रिसेंटली ही जब एक मराठी रीजनल ग्रुप ने भंसाली को ये वार्निंग दी थी कि फिल्म में गंगूबाई की लाइफ का कोई भी हिस्सा फिक्शनल नहीं होना चाहिए, तब दोस्तों ये साफ हो गया कि पद्मावत की ही तरह इस बार भी भंसाली किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। कब और कैसे ये तो अब वक्त ही बताएगा। वही दोस्तों आपका क्या कहना है गंगूबाई की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के इमोशन टर्न आउट के बारे में? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार।
कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती, क्योंकि वहां गंगू रहती है। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वो से, किसी के बाप से नहीं डरने का। गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। आखिर क्या रहा एसआरके का रिएक्शन मूवी गंगूबाई को लेकर? क्या पोस्ट करा अक्षय कुमार ने गंगूबाई के लिए और किसके बारे में करा शाहिद कपूर ने कमेंट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी कोई नई मूवी आती है तो सभी दूसरे सितारे उस मूवी में और उसकी मेकिंग की गपशपों में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। उन्हें भी हमारी ही तरह ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इस मूवी में क्या होने वाला है, जिसके बारे में वो खुलकर अपने ओपिनियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर किसी कॉन्वर्सेशन में बता देते हैं। तो आज हम आपको ऐसे कुछ सितारों का रिएक्शन अपकमिंग बॉलीवुड मूवी गंगूबाई को लेकर बताएंगे। एक क्विक रनडाउन देने के लिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि मूवी गंगूबाई को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली, अंश में स्टार कर रहे हैं आलिया भट्ट, विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पाहवा, अजय देवगन, इमरान हाशमी और काफी दूसरे एक्टर्स। ये मूवी एक बायोपिक होने वाली है, तो इस मूवी के एक फर्स्ट लुक अनरिलीज डेट आउट होने पर दिया कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पॉजिटिव रिएक्शन। नेहा धूपिया, वरुण धवन, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे कई बड़े स्टार्स ने किया आलिया को कंग्रेचुलेट। साथ ही साथ सभी ने आलिया के एक्टिंग स्किल्स को भी प्रेज करा है, लिखा है कि वो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली कर रही हैं। शाहरुख खान, जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ फिल्म लव यू जिंदगी में काम किया था, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाला है, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर वर्क एज एन एक्टर लिटिल वन। ये एज अ सीनियर एक्टर उनका अपने जूनियर एक्टर के प्रति एक छोटा सा एनकरेजमेंट है। दोस्तों, गंगूबाई को लेकर बाहुबली के मेकर एसएस राजामौली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है कि दोस्तों वो आलिया भट्ट को गंगूबाई के कैरेक्टर में देखकर खुश हैं और उनकी परफॉर्मेंस जरूर ही गजब की होने वाली है। दोस्तों, अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जिस दिन गंगूबाई मूवी का टाइटल सुना था उस दिन से ही मूवी के एक फैन बन गए थे। उन्हें तो टीजर भी बहुत ज्यादा पसंद आया है, उसमें आलिया के प्रेजेंस भी। वो संजय लीला भंसाली के इस मास्टरपीस को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। रणवीर सिंह ने भी इस मूवी के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, गंगू तू चांद है, चांद ही रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने इस मूवी के फर्स्ट लुक की तारीफ भी करी है। शाहिद कपूर ने भी कमेंट करके आलिया के लिए बोला, गुंडी तो हमेशा से ही थी, अब डॉन बन गई है, लविंग इट, जो कि काफी क्यूट लगा फैंस को। और दोस्तों, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस मूवी को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया एंड वो इसे देखने के लिए काफी बिल्कुल रेडी भी लग रहे हैं। फिल्म की रिलीज तो प्रोसेस में है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपर हिट एंड सुपर क्यूट हीरोइन आलिया भट्ट के आने वाले बिग बजट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अगली रिलीज होने वाली फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। इसकी शूटिंग काफी समय से चल रही है। फिल्म को लेकर संजय लीला भंसाली ने काफी कुछ पिछले साल ही शुरू कर दिया था। उनकी इस फिल्म को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अब हुमा कुरैशी भी नजर आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको ये गर्मा गर्म एंट्री का राज। दोस्तों, वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में हर कलाकार की इच्छा होती है कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करे, फिर चाहे रोल कैसा भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हुमा कुरैशी के साथ भी हुआ। जब हुमा कुरैशी को संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी में एक स्पेशल सॉन्ग और डांस नंबर के लिए कहा, तो उन्होंने इसे करने के लिए तुरंत ही हामी भर दी। भंसाली अपनी फिल्मों की हर एक चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसलिए वो ऐसे डांसर चाहते थे जो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से ही गाने में जान डाल दे। ऐसे में उनको हुमा कुरैशी का नाम सूझा। वही हुमा के लिए ये एक बड़ा ब्रेक साबित होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह फिल्म रामलीला में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एक लोकप्रिय डांस नंबर किया था। जी हाँ, वही गाना, राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में तुम्हें। बस बस, इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकती। आई एम 100% श्योर कि आप सभी ने ये गाना सुना भी है और देखा भी है।
हालांकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण थी, पर इस गाने के बाद दोनों ही एक्ट्रेसेस को फिल्म के हिट होने का क्रेडिट दिया गया था। प्रियंका का ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। उस वक्त प्रियंका का करियर ग्राफ थोड़ा थम चल रहा था, मगर इस गाने के रिलीज के बाद उनके करियर को एक अलग ही ऊंचाई मिल गई। हो सकता है ये ब्रेक हुमा के करियर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आप हुमा के फैन हैं तो इस बारे में आपका क्या कहना है? या दोस्तों आपको बता दें कि हुमा फिल्म में मुजरा नहीं कर रही, ये एक भड़कीला आइटम नंबर है। वैसे तो बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन इंडस्ट्री, सभी में आइटम नंबर्स का बोलबाला रहता ही है। फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे चलाने के लिए फिल्म मेकर्स हर फिल्म में आइटम नंबर्स को रखते ही है, और इस यूएसपी को भंसाली अपने हर फिल्म में डालने की कोशिश करते हैं। पहले के समय में आइटम नंबर्स करने के लिए खास तौर पर एक्ट्रेस या मॉडल्स अलग से होती थी, जो केवल फिल्मों में आइटम गाने को परफॉर्म करने के लिए ही होती थी। लेकिन इस चलन को बॉलीवुड की ही टॉप एक्ट्रेस ने तोड़ा है। बॉलीवुड के कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने फिल्मों में आइटम नंबर्स परफॉर्म किए हैं, और अब भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के जरिए हुमा का भी नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वही एक्ट्रेस हुमा कुरैशी उन एक्ट्रेसेस में शुमार है जिन्होंने अपने करियर में तमाम फिल्में और वेब सीरीज से खूब नाम कमाया है। दर्शकों को हुमा की एक्टिंग और उनका ग्लैमरस अंदाज हर बार काफी पसंद आता है। हुमा ने अपनी फिल्मों में ना केवल जबरदस्त एक्टिंग बल्कि ढेरों डांस भी किए हैं। उनकी फिल्मों के कई गाने ऐसे हैं जो आज भी खूब सुने जाते हैं। हुमा कुरैशी के शानदार परफॉर्मेंस के वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसमें उनका बोल्ड लुक देखने को मिलता है और ऑडियंस उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। इसीलिए तो भंसाली ने हुमा को ये ऑफर देने का सोचा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले इस आइटम सॉन्ग में उनका शानदार परफॉर्मेंस और ग्लैमर अंदाज हमें देखने को मिलेगा। वैसे तो हुमा की डांसिंग स्किल्स स्क्रीन पर हंगामा क्रिएट करने के लिए कुछ खास नहीं जानी जाती है, लेकिन जब कमान भंसाली के पास में हो तो भाई सब कुछ मुमकिन है। अगर हम फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी मुंबई की लेडी माफिया डॉन गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी पर आधारित है, जिस किरदार को फिल्म में आलिया ने निभाया है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन का कैमियो भी नजर आएगा, वो फिल्म में आलिया के मेंटर का रोल निभाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं संजय लीला भंसाली की आने वाली मास्टरपीस गंगूबाई काठियावाड़ी में बॉलीवुड की सुपर क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और सुपर ग्लैमरस एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के आइटम नंबर के लिए? ये आप हमें नीचे से कमेंट बॉक्स से उसमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। इस फिल्म के मेन रोल में हमें कौन नजर आने वाला है? ये फिल्म किसकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? ये फिल्म ऑडियंस तक कब तक पहुंच पाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में, और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके चर्चे उसकी रिलीज से पहले ही काफी हो रहे हैं, और दोस्तों ऑडियंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज हम बात करेंगे एक बायोग्राफिकल फिल्म की। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड और जयंती लालगड़ा और संजय लीला भंसाली द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। तो दोस्तों फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल क्राइम डेटा फिल्म है, जिसमें हमें मेन लीड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट एज अ गंगूबाई काठियावाड़ी नजर आई थी। इस फिल्म से पहली बार बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं टेलीविजन के मशहूर स्टार शांतनु महेश्वरी, जिन्होंने लोगों को कई शोज जैसे दिल दोस्ती डांस और ये है आशिकी जैसी मूवीज से सबका दिल जीता। वो यहाँ हमें गंगूबाई के हस्बैंड रामनिक लाल के रोल में नजर आने वाले हैं। दोस्तों ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है ऑन द बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, जिसके ऑथर हैं एस हुसैन जैदी। जहां ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल लड़की से जो काठियावाड़ से बिलोंग करती है, और जहां उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो पूरी जिंदगी में चल रहे सारे उतार चढ़ाव को अपना ले। एक ऐसी स्टोरी आया जहां गंगा के
लाचार होने से तो शुरू होती है मगर एंड होती है जहां वो पूरी कमाठीपुरा यानी उस रेड लाइट एरिया को कैप्चर करते हुए वहां की रानी बन जाती है। दोस्तों हालांकि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 30 जुलाई 2021 को, लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग को ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मार्च 2020 में रोक दिया गया था और तब तक फिल्म की 70% शूटिंग ही कम्प्लीट हो सकी थी। फिर जब कोविड सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ तो इस फिल्म को रिज्यूम किया गया ऑन अक्टूबर 2020। एंड रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों एक्टर अजय देवगन जो कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं, उन्होंने फरवरी 2021 में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की है। इतना ही नहीं, इस फिल्म की बेसब्री से इंतजार कर रही ऑडियंस इस फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट का बायोपिक एक्टिंग देखने को एक्साइटेड है। अब उम्मीद है कि ये मूवी जल्द से जल्द आए और सभी को एंटरटेन करे। जानिए कैसा था मुंबई अंडरवर्ल्ड के इन माफिया क्वींस का राज, गंगूबाई के साथ अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी आखिर क्या थी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों बात करते हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी एक रियल लाइफ बेस्ड बायोपिक होने वाली है और आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली कुछ डेयरिंग क्वींस के बारे में जिनकी रियल लाइफ स्टोरी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उस टाइम के फेमस क्राइम रिपोर्टर और राइटर हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड में उन सभी क्वींस का जिक्र है जिन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी थी। इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी हुसैन जैदी की इस किताब से ही इंस्पायर्ड है। जुर्म की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने वाली ही कुछ ऐसी ही माफिया क्वींस के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहला है जैनबाई दारूवाला। जैनब अका जैनबाई दारूवाला देश की सबसे पहली लेडी डॉन मानी जाती थी और दोस्तों मुंबई के डोंगरी इलाके में दारू का धंधा करने वाली इस माफिया क्वीन के एक एक शब्द हाजी मस्तान और दाऊद जैसे गैंगस्टर्स के लिए भी पत्थर की लकीर हुआ करते थे। दोस्तों जैनबाई ने शराब के धंधे से लेकर चावल की ब्लैक मार्केटिंग तक का काम किया है। उम्र के अंतिम पड़ाव में जैनबाई के बेटे का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद उसने अपने सभी धंधे बंद कर दिए। दोस्तों जैनबाई को जानने वाले बताते हैं कि 1993 में मुंबई में हुए धमाकों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई और वह बीमार रहने लगी। धमाकों के कुछ साल बाद ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। दोस्तों दूसरी हैं करीमा मुजीब शाह। दोस्तों मुंबई अंडरवर्ल्ड में करीमा मुजीब शाह को आपा के नाम से बुलाया जाता है। आपा का सिक्का यानी कि दबदबा आज भी मुंबई के घाटक कोपर इलाके में चलता है। करीमा इलीगली झुग्गी बनाने का काम करते करते महज 6 साल में माफिया क्वीन बन गई थी और उनके गैंग में 50 मेंबर थे। पांचवी पास करीमा का पति स्क्रैप डीलर था और उसने खुद करियर की शुरुआत इलीगल तरीके से झुग्गी बनाकर कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद से इसका इन्फ्लुएंस और दुश्मन दोनों बढ़ने लगे और दोस्तों प्रोडक्शन के लिए उसने अपने पास रैकेट में पहले मेंबर सबाबू पानीकर को शामिल किया। दोस्तों ताजुब की बात है कि इसके कुछ ही दिन पहले पुलिस ने करीमा को अरेस्ट किया था। दोस्तों तीसरी है रेशमा मेमन और शबाना मेमन। दोस्तों 90s के मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे फेमस नामों की लिस्ट में रेशमा और शबाना मेमन का नाम भी शुमार है। ये दोनों दौर की सबसे खतरनाक माफिया क्वींस मानी जाती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1993 के मुंबई ब्लास्ट में सिर्फ दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का हाथ नहीं था, माना जाता है कि पूरी देश को दहला देने वाले इस कांड में टाइगर की बीवी रेशमा मेमन और उसकी साली शबाना मेमन ने भी उनका साथ दिया था। ब्लास्ट से पहले ये दोनों देश से बाहर गए थे और कहा जाता है कि ये दोनों आज भी कराची में आराम की जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों ये थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ फेमस नाम, इन्हीं में से एक गंगूबाई काठियावाड़ी भी थी जिनकी बायोपिक जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार। कैरेक्टर गंगूबाई को लेकर क्यों इमोशनल हुई है आलिया भट्ट? क्या डायरेक्टर संजय लीला भंसाली एक बार फिर फंस सकते हैं एक बड़ी कंट्रोवर्सी में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों को, और ऐसी ही सुपर इंटरेस्टिंग खबरों को रोज सुनने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की।
ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म होने वाली है और बॉलीवुड में इस दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। अजय देवगन भी उनके साथ एक एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगी और ये फिल्म दोस्तों मुंबई की फेमस लेडी गंगूबाई काठियावाड़ी की ही एक बायोपिक रहने वाली है। दोस्तों यूँ तो कभी न कभी डर के मारे हम सब की नींद उड़ जाती है, लेकिन ऐसा क्या है जिसने उड़ा के रख दी है बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट की नींद। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आलिया भट्ट आज के दौर में बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है जिसने उनको भी हिलाकर रख दिया है। तो बता दें कि जब से आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग का रैप अप किया है, तभी से उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि आखिर क्या बीती होगी गंगा नाम की उस भोली भाली लड़की के दिल पर, जब उसने अपनी ही आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया पलटते हुए देखी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अपने दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू में आलिया बताती हैं कि वो बचपन से ही बेहद इमोशनल है और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग के दौरान वो कई बार रोई थी। गंगूबाई का कैरेक्टर प्ले करते हुए आलिया ने गंगूबाई की पूरी लाइफ को काफी क्लोजली एक्सप्लोर किया है, जिसकी वजह से उनके दिल में गंगूबाई के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है। और दोस्तों उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं गंगू से बेहद प्यार करने लगी हूँ, उसकी जिंदगी बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही और मुझे इस बात के बारे में तब पता चला जब मैंने उनका रोल निभाया था। खैर दोस्तों, अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि आखिर क्या है ऐसा जो एक बार फिर बढ़ा सकता है डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मुश्किलों को। दरअसल दोस्तों बात ये है कि गंगूबाई गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़ा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल नाम है और ऐसे कैरेक्टर्स पर बायोपिक बनाना भी कम जोखिम का काम नहीं है। रिसेंटली ही जब एक मराठी रीजनल ग्रुप ने भंसाली को ये वार्निंग दी थी कि फिल्म में गंगूबाई की लाइफ का कोई भी हिस्सा फिक्शनल नहीं होना चाहिए, तब दोस्तों ये साफ हो गया कि पद्मावती की तरह इस बार भी भंसाली किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। कब और कैसे ये तो अब वक्त ही बताएगा। वही दोस्तों आपका क्या कहना है गंगूबाई की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के इमोशन टर्न आउट के बारे में, अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार। कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहां गंगू रहती है। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। गंगू जान थी और जान ही रहेगी। आखिर क्या रहा एसआरके का रिएक्शन मूवी गंगूबाई को लेकर? क्या पोस्ट करा अक्षय कुमार ने गंगूबाई के लिए और किसके बारे में करा शाहिद कपूर ने कमेंट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों बॉलीवुड में जब भी कोई नई मूवी आती है तो सभी दूसरे सितारे उस मूवी में और उसकी मेकिंग की गपशपों में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। उन्हें भी हमारी ही तरह ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इस मूवी में क्या होने वाला है जिसके बारे में वो खुलकर अपने ओपिनियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर किसी कॉन्वर्सेशन में बता देते हैं। तो आज हम आपको ऐसे कुछ सितारों का रिएक्शन अपकमिंग बॉलीवुड मूवी गंगूबाई को लेकर बताएंगे। एक क्विक रनडाउन देने के लिए दोस्तों हम आपको बता दें कि मूवी गंगूबाई को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली, अंश में स्टार कर रहे हैं आलिया भट्ट, विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पाहवा, अजय देवगन, इमरान हाशमी और काफी दूसरे एक्टर्स। ये मूवी एक बायोपिक होने वाली है तो इस मूवी के एक फर्स्ट लुक एंड रिलीज डेट आउट होने पर दिया कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पॉजिटिव रिएक्शन। नेहा धूपिया, वरुण धवन, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे कई बड़े स्टार्स ने किया आलिया को कंग्रेचुलेट, साथ ही साथ सभी ने आलिया के एक्टिंग स्किल्स को भी प्रेज करा है। लिखा है कि वो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली कर रही हैं। शाहरुख खान जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ फिल्म लव यू जिंदगी में काम किया था, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाला है, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर वर्क एज एन एक्टर लिटिल वन। ये एज सीनियर एक्टर उनका अपने जूनियर एक्टर के प्रति एक छोटा सा एनकरेजमेंट है। दोस्तों गंगूबाई को लेकर बाहुबली के मेकर एसएस राजामौली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है कि दोस्तों वो आलिया भट्ट को गंगूबाई के कैरेक्टर में देखकर खुश हैं और उनकी परफॉर्मेंस जरूर ही गजब की होने वाली है। दोस्तों अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जिस दिन गंगूबाई मूवी का टाइटल सुना था उस दिन से ही मूवी के एक फैन बन गए थे। उन्हें तो टीजर भी बहुत ज्यादा पसंद आया है, उसमें आलिया के प्रेजेंस भी। वो संजय लीला भंसाली के इस मास्टरपीस को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं।
रणवीर सिंह ने भी इस मूवी के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, गंगू तू चांद है, चांद ही रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने इस मूवी के फर्स्ट लुक की तारीफ भी करी है। शाहिद कपूर ने भी कमेंट करके आलिया के लिए बोला, गुंडी तो हमेशा से ही थी, अब डॉन बन गई है, लविंग इट, जो कि काफी क्यूट लगा फैंस को। और दोस्तों बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस मूवी को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया एंड वो इसे देखने के लिए काफी बिल्कुल रेडी भी लग रहे हैं। फिल्म की रिलीज तो प्रोसेस में है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। और मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सुपर हिट एंड सुपर क्यूट हीरोइन आलिया भट्ट के आने वाले बिग बजट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर और फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की अगली रिलीज होने वाली फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। इसकी शूटिंग काफी समय से चल रही है। फिल्म को लेकर संजय लीला भंसाली ने काफी कुछ पिछले साल ही शुरू कर दिया था। उनकी इस फिल्म को लेकर एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आलिया भट्ट स्टारर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में अब हुमा कुरैशी भी नजर आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए अब हम बताते हैं आपको ये गर्मा गर्म एंट्री का राज। दोस्तों वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में हर कलाकार की इच्छा होती है कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म में काम करे, फिर चाहे रोल कैसा भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही हुमा कुरैशी के साथ भी हुआ। जब हुमा कुरैशी को संजय लीला भंसाली ने आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी में एक स्पेशल सॉन्ग और डांस नंबर के लिए कहा, तो उन्होंने इसे करने के लिए तुरंत ही हामी भर दी। भंसाली अपनी फिल्मों की हर एक चीजों का अच्छे से ध्यान रखते हैं, इसलिए वो ऐसे डांसर चाहते थे जो अपनी फेशियल एक्सप्रेशन से ही गाने में जान डाल दे। ऐसे में उनको हुमा कुरैशी का नाम सूझा। वही हुमा के लिए ये एक बड़ा ब्रेक साबित होगा, ठीक उसी तरह जिस तरह फिल्म रामलीला में प्रियंका चोपड़ा जोनस ने एक लोकप्रिय डांस नंबर किया था। जी हाँ, वही गाना, राम चाहे लीला चाहे, लीला चाहे राम, इन दोनों के लव में दुनिया। बस बस, इससे ज्यादा मैं नहीं गा सकती। आई एम 100% श्योर कि आप सभी ने ये गाना सुना भी है और देखा भी है। हालांकि फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण थी, पर इस गाने के बाद दोनों ही एक्ट्रेसेस को फिल्म के हिट होने का क्रेडिट दिया गया था। प्रियंका का ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। उस वक्त प्रियंका का करियर ग्राफ थोड़ा थन चल रहा था, मगर इस गाने के रिलीज के बाद उनके करियर को एक अलग ही ऊंचाई मिल गई। हो सकता है ये ब्रेक हुमा के करियर के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आप हुमा के फैन हैं तो इस बारे में आपका क्या कहना है? या दोस्तों आपको बता दें कि हुमा फिल्म में मुजरा नहीं कर रही, ये एक भड़कीला आइटम नंबर है। वैसे तो बॉलीवुड हो या साउथ इंडियन इंडस्ट्री, सभी में आइटम नंबर्स का बोलबाला रहता ही है। फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पे चलाने के लिए फिल्म मेकर्स हर फिल्म में आइटम नंबर्स को रखते ही है, और इस यूएसपी को भंसाली अपने हर फिल्म में डालने की कोशिश करते हैं। पहले के समय में आइटम नंबर्स करने के लिए खास तौर पर एक्ट्रेस या मॉडल्स अलग से होती थी, जो केवल फिल्मों में आइटम गाने को परफॉर्म करने के लिए ही होती थी। लेकिन इस चलन को बॉलीवुड की ही टॉप एक्ट्रेस ने तोड़ा है। बॉलीवुड के कई ऐसे एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने फिल्मों में आइटम नंबर्स परफॉर्म किए हैं, और अब भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के जरिए हुमा का भी नाम उस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। वही एक्ट्रेस हुमा कुरैशी उन एक्ट्रेसेस में शुमार है जिन्होंने अपने करियर में तमाम फिल्में और वेब सीरीज से खूब नाम कमाया है। दर्शकों को हुमा की एक्टिंग और उनका ग्लैमरस अंदाज हर बार काफी पसंद आता है। हुमा ने अपनी फिल्मों में ना केवल जबरदस्त एक्टिंग बल्कि ढेरों डांस भी किए हैं। उनकी फिल्मों के कई गाने ऐसे हैं जो आज भी खूब सुने जाते हैं। हुमा कुरैशी के शानदार परफॉर्मेंस के वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसमें उनका बोल्ड लुक देखने को मिलता है और ऑडियंस उन्हें काफी पसंद भी करते हैं। इसीलिए तो भंसाली ने हुमा को ये ऑफर देने का सोचा। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आने वाले इस आइटम सॉन्ग में उनका शानदार परफॉर्मेंस और ग्लैमर अंदाज हमें देखने को मिलेगा। वैसे तो हुमा की डांसिंग स्किल्स स्क्रीन पर हंगामा क्रिएट करने के लिए कुछ खास नहीं जानी जाती है, लेकिन जब कमान भंसाली के पास में हो तो भाई सब कुछ मुमकिन है। अगर हम फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी मुंबई की लेडी माफिया डॉन गंगूबाई काठियावाड़ी की जिंदगी पर आधारित है, जिस किरदार को फिल्म में आलिया ने निभाया है। इसके अलावा इस फिल्म में अजय देवगन का कैमियो भी नजर आएगा, वो फिल्म में आलिया के मेंटर का रोल निभाएंगे।
तो क्या आप तैयार हैं संजय लीला भंसाली की आने वाली मास्टरपीस गंगूबाई काठियावाड़ी में बॉलीवुड की सुपर क्यूट एक्ट्रेस आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस और सुपर ग्लैमरस एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के आइटम नंबर के लिए? ये आप हमें नीचे से कमेंट बॉक्स से उसमें बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। इस फिल्म के मेन रोल में हमें कौन नजर आने वाला है? ये फिल्म किसकी लाइफ स्टोरी पर बेस्ड है? ये फिल्म ऑडियंस तक कब तक पहुंच पाएगी? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जिसके चर्चे उसकी रिलीज से पहले ही काफी हो रहे हैं और दोस्तों ऑडियंस इस फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रही है। आज हम बात करेंगे एक बायोग्राफिकल फिल्म की। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं संजय लीला भंसाली द्वारा डायरेक्टेड और जयंती लालगड़ा और संजय लीला भंसाली द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। तो दोस्तों फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज बायोग्राफिकल क्राइम डेटा फिल्म है जिसमें हमें मेन लीड में एक्ट्रेस आलिया भट्ट एज अ गंगूबाई काठियावाड़ी नजर आई थी। इस फिल्म से पहली बार बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं टेलीविजन के मशहूर स्टार शांतनु महेश्वरी, जिन्होंने लोगों को कई शोज जैसे दिल दोस्ती डांस और ये है आशिकी जैसी मूवीज से सबका दिल जीता। वो यहाँ हमें गंगूबाई के हस्बैंड रामनिक लाल के रोल में नजर आने वाले हैं। दोस्तों ये फिल्म एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है ऑन द बुक माफिया क्वींस ऑफ मुंबई जिसके ऑथर हैं एस हुसैन जैदी। जहां ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक सिंपल लड़की से जो काठियावाड़ से बिलोंग करती है और जहां उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय इसके कि वो पूरी जिंदगी में चल रहे सारे उतार चढ़ाव को अपना ले। ये एक ऐसी स्टोरी आया है जहां गंगा के लाचार होने से तो शुरू होती है मगर एंड होती है जहां वो पूरी कमाठीपुरा यानी उस रेड लाइट एरिया को कैप्चर करते हुए वहां की रानी बन जाती है। दोस्तों हालांकि ये फिल्म रिलीज होने वाली है 30 जुलाई 2021 को, लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग को ड्यू टू कोविड पेंडेमिक मार्च 2020 में रोक दिया गया था और तब तक फिल्म की 70% शूटिंग ही कम्प्लीट हो सकी थी। फिर जब कोविड सिचुएशन थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ तो इस फिल्म को रिज्यूम किया गया ऑन अक्टूबर 2020 एंड रिपोर्ट्स की माने तो दोस्तों एक्टर अजय देवगन जो कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं उन्होंने फरवरी 2021 में इस फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की है। इतना ही नहीं, इस फिल्म की बेसब्री से इंतजार कर रही ऑडियंस इस फिल्म में एक्ट्रेस आलिया भट्ट का बायोपिक एक्टिंग देखने को एक्साइटेड है। अब उम्मीद है कि ये मूवी जल्द से जल्द आए और सभी को एंटरटेन करे। जानिए कैसा था मुंबई अंडरवर्ल्ड के इन माफिया क्वींस का राज, गंगूबाई के साथ अंडरवर्ल्ड की पूरी कहानी आखिर क्या थी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों बात करते हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी एक रियल लाइफ बेस्ड बायोपिक होने वाली है और आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं गंगूबाई काठियावाड़ी के साथ मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाली कुछ डेयरिंग क्वींस के बारे में जिनकी रियल लाइफ स्टोरी भी किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि उस टाइम के फेमस क्राइम रिपोर्टर और राइटर हुसैन जैदी की किताब माफिया क्वींस ऑफ मुंबई अंडरवर्ल्ड में उन सभी क्वींस का जिक्र है जिन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड में अपनी छाप छोड़ी थी। इतना ही नहीं, संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी भी हुसैन जैदी की इस किताब से ही इंस्पायर्ड है। जुर्म की दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल करने वाली ही कुछ ऐसी ही माफिया क्वींस के बारे में आज हम आपको बताते हैं। पहला है जैनबाई दारूवाला। जैनब अका जैनबाई दारूवाला देश की सबसे पहली लेडी डॉन मानी जाती थी और दोस्तों मुंबई के डोंगरी इलाके में दारू का धंधा करने वाली इस माफिया क्वीन के एक एक शब्द हाजी मस्तान और दाऊद जैसे गैंगस्टर्स के लिए भी पत्थर की लकीर हुआ करते थे। दोस्तों जैनबाई ने शराब के धंधे से लेकर चावल की ब्लैक मार्केटिंग तक का काम किया है। उम्र के अंतिम पड़ाव में जैनबाई के बेटे का गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था जिसके बाद उसने अपने सभी धंधे बंद कर दिए। दोस्तों जैनबाई को जानने वाले बताते हैं कि 1993 में मुंबई में हुए धमाकों ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई और वह बीमार रहने लगी। धमाकों के कुछ साल बाद ही उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। दोस्तों दूसरी हैं करीमा मुजीब शाह। दोस्तों मुंबई अंडरवर्ल्ड में करीमा मुजीब शाह को आपा के नाम से बुलाया जाता है। आपा का सिक्का यानी कि दबदबा आज भी मुंबई के घाटक कोपर इलाके में चलता है। करीमा इलीगली झुग्गी बनाने का काम करते करते महज 6 साल में माफिया क्वीन बन गई थी और उनके गैंग में 50 मेंबर थे।
पांचवी पास करीमा का पति स्क्रैप डीलर था और उसने खुद करियर की शुरुआत इलीगल तरीके से जुगिया बनाकर कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद से इसका इन्फ्लुएंस और दुश्मन दोनों बनने लगे और दोस्तों प्रोडक्शन के लिए उसने अपने पास रैकेट में पहले मेंबर सबाबू पानीकर को शामिल किया। दोस्तों ताजुब की बात है कि इसके कुछ ही दिन पहले पुलिस ने करीमा को अरेस्ट किया था। दोस्तों तीसरी है रेशमा मेमन और शबाना मेमन। दोस्तों 90s के मुंबई अंडरवर्ल्ड के सबसे फेमस नामों की लिस्ट में रेशमा और शबाना मेमन का नाम भी शुमार है। ये दोनों दौर की सबसे खतरनाक माफिया क्वींस मानी जाती थी। और इतना ही नहीं दोस्तों 1993 के मुंबई ब्लास्ट में सिर्फ दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन का हाथ नहीं था, माना जाता है कि पूरी देश को दहला देने वाले इस कांड में टाइगर की बीवी रेशमा मेमन और उसकी साली शबाना मेमन ने भी उनका साथ दिया था। ब्लास्ट से पहले ये दोनों देश से बाहर गए थे और कहा जाता है कि ये दोनों आज भी कराची में आराम की जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों ये थे मुंबई अंडरवर्ल्ड के कुछ फेमस नाम, इन्हीं में से एक गंगूबाई काठियावाड़ी भी थी जिनकी बायोपिक जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मूवी को देखने के लिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार। कैरेक्टर गंगूबाई को लेकर क्यों इमोशनल हुई है आलिया भट्ट? क्या डायरेक्टर संजय लीला भंसाली एक बार फिर फंस सकते हैं एक बड़ी कंट्रोवर्सी में? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं बॉलीवुड की तमाम इंटरेस्टिंग खबरों को, और ऐसी ही सुपर इंटरेस्टिंग खबरों को रोज सुनने के लिए मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आने वाली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की। ये बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी फिल्म होने वाली है और बॉलीवुड में इस दौर की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में से एक आलिया भट्ट इस फिल्म की मेन लीड में नजर आने वाली है। अजय देवगन भी उनके साथ एक एक्सटेंडेड कैमियो में नजर आएंगी। और ये फिल्म दोस्तों मुंबई की फेमस लेडी गंगूबाई काठियावाड़ी की ही एक बायोपिक रहने वाली है। दोस्तों यूँ तो कभी न कभी डर के मारे हम सब की नींद उड़ जाती है, लेकिन ऐसा क्या है जिसने उड़ा के रख दी है बॉलीवुड स्टार आलिया भट्ट की नींद? जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आलिया भट्ट आज के दौर में बॉलीवुड की एक टॉप एक्ट्रेस मानी जाती हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है जिसने उनको भी हिलाकर रख दिया है। तो बता दें कि जब से आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग का रैप अप किया है, तभी से उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि आखिर क्या बीती होगी गंगा नाम की उस भोली भाली लड़की के दिल पर, जब उसने अपनी ही आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया पलटते हुए देखी थी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अपने दिए गए लेटेस्ट इंटरव्यू में आलिया बताती हैं कि वो बचपन से ही बेहद इमोशनल है और फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग के दौरान वो कई बार रोई थी। गंगूबाई का कैरेक्टर प्ले करते हुए आलिया ने गंगूबाई की पूरी लाइफ को काफी क्लोजली एक्सप्लोर किया है, जिसकी वजह से उनके दिल में गंगूबाई के लिए एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है। और दोस्तों उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं गंगू से बेहद प्यार करने लगी हूँ, उसकी जिंदगी बेहद एक्स्ट्रॉर्डिनरी रही और मुझे इस बात के बारे में तब पता चला जब मैंने उनका रोल निभाया था। खैर दोस्तों अब आते हैं अपने अगले सवाल पर कि आखिर क्या है ऐसा जो एक बार फिर बढ़ा सकता है डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की मुश्किलों को। दरअसल दोस्तों बात ये है कि गंगूबाई गुजरात और महाराष्ट्र से जुड़ा एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल नाम है और ऐसे कैरेक्टर्स पर बायोपिक बनाना भी कम जोखिम का काम नहीं है। रिसेंटली ही जब एक मराठी रीजनल ग्रुप ने भंसाली को ये वार्निंग दी थी कि फिल्म में गंगूबाई की लाइफ का कोई भी हिस्सा फिक्शनल नहीं होना चाहिए, तब दोस्तों ये साफ हो गया कि पद्मावती की तरह इस बार भी भंसाली किसी कंट्रोवर्सी में फंसते हुए नजर आ सकते हैं। कब और कैसे ये तो अब वक्त ही बताएगा। वही दोस्तों आपका क्या कहना है गंगूबाई की लीड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के इमोशन टर्न आउट के बारे में? अपनी राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारे आज के राइटर हैं विवेक कुमार। कहते हैं कमाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहां गंगू रहती है। किसी से डरने का नहीं, ना पुलिस से, ना एमएलए से, ना मंत्री से, ना भड़वों से, किसी के बाप से नहीं डरने का। गंगू जान थी और जान ही रहेगी।
क्या रहा SRK का रिएक्शन मूवी गंगूबाई को लेकर? क्या पोस्ट करा अक्षय कुमार ने गंगूबाई के लिए और किसके बारे में करा शाहिद कपूर ने कमेंट? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, बॉलीवुड में जब भी कोई नई मूवी आती है तो सभी दूसरे सितारे उस मूवी में और उसकी मेकिंग की गपशपों में अपनी दिलचस्पी दिखाने लगते हैं। उन्हें भी हमारी ही तरह ये क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर इस मूवी में क्या होने वाला है, जिसके बारे में वो खुलकर अपने ओपिनियंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या फिर किसी कॉन्वर्सेशन में बता देते हैं। तो आज हम आपको ऐसे कुछ सितारों का रिएक्शन अपकमिंग बॉलीवुड मूवी गंगूबाई को लेकर बताएंगे। एक क्विक रनडाउन देने के लिए दोस्तों, हम आपको बता दें कि मूवी गंगूबाई को डायरेक्ट कर रहे हैं संजय लीला भंसाली, अंश में स्टार कर रहे हैं आलिया भट्ट, विजय राज, इंदिरा तिवारी, सीमा पाहवा, अजय देवगन, इमरान हाशमी और काफी दूसरे एक्टर्स। ये मूवी एक बायोपिक होने वाली है, तो इस मूवी के एक फर्स्ट लुक एंड रिलीज डेट आउट होने पर दिया कई बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने पॉजिटिव रिएक्शन। नेहा धूपिया, वरुण धवन, शाहिद कपूर, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा ने ऐसे कई बड़े स्टार्स ने किया आलिया को कंग्रेचुलेट। साथ ही साथ सभी ने आलिया के एक्टिंग स्किल्स को भी प्रेज करा है और लिखा है कि वो ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली कर रही है। शाहरुख खान, जिन्होंने आलिया भट्ट के साथ फिल्म लव यू जिंदगी में काम किया था, उन्होंने सोशल मीडिया पर ये डाला है, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू योर वर्क एज एन एक्टर लिटिल वन। ये एज सीनियर एक्टर उनका अपने जूनियर एक्टर के प्रति एक छोटा सा एनकरेजमेंट है। दोस्तों, गंगूबाई को लेकर बाहुबली के मेकर SS राजामौली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करा है कि दोस्तों वो आलिया भट्ट को गंगूबाई के कैरेक्टर में देखकर खुश हैं और उनकी परफॉर्मेंस जरूर ही गजब की होने वाली है। दोस्तों, अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्होंने जिस दिन गंगूबाई मूवी का टाइटल सुना था उस दिन से ही मूवी के एक फैन बन गए थे। उन्हें तो टीजर भी बहुत ज्यादा पसंद आया है, उसमें आलिया के प्रेजेंस भी। वो संजय लीला भंसाली के इस मास्टरपीस को जल्द से जल्द देखना चाहते हैं। रणवीर सिंह ने भी इस मूवी के ट्रेलर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, गंगू तू चांद है, चांद ही रहेगी। साथ ही साथ उन्होंने इस मूवी के फर्स्ट लुक की तारीफ भी करी है। शाहिद कपूर ने भी कमेंट करके आलिया के लिए बोला, गुंडी तो हमेशा से ही थी, अब डॉन बन गई है, लविंग इट, जो कि काफी क्यूट लगा फैंस को। और दोस्तों, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस मूवी को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया एंड वो इसे देखने के लिए काफी बिल्कुल रेडी भी लग रहे हैं। फिल्म की रिलीज तो प्रोसेस में है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। और सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।